अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 5 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें हम ये सारा कोर्स कवर करेंगे। इस पार्ट में आप जो है सीपीयू रजिस्टर्स तक सारा देखेंगे, सीपीयू रजिस्टर्स तक कवर करेंगे, और बाकी सारा का सारा कंटेंट इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। सही, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है? एक्चुअली ऐसा था कि वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट था। इसने एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, इसका एक डिजाइन प्रोपोज किया था, एक डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाया था, लोगों के सामने पेश किया था 1951 में। वॉन न्यूमैन और उसकी टीम थी उसके अंदर शामिल। उसने कहा था कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम इन प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम यही कहते हैं ना, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा, इन दोनों को मेमोरी में सेव कर दो। मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, जब भी आपने कोई भी सीपीयू ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उससे पहले डाटा और इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, आप ना थोड़ा सा इसको साथ में ले, डाटा और इंस्ट्रक्शंस में फर्क क्या होता है ये देखें। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2+2, ये एक जो है ना, आपके पास एक, आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस का ऑपरेशन। इसके अंदर किसके ऊपर परफॉर्म करना है? इस टू, ये टू है और ये टू। ये आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है ना, ये दोनों ऑपरेटर्स, ये दोनों ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ऑपरेंड्स, ऑपरेंड भी बोलेंगे इनको और इनको डेटा भी बोलेंगे। इनके ऊपर, ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का, ठीक है। अब आप गौर करें, इसमें ये जो टू और टू है, ये दो डेटा है, ठीक है, इसको डेटा बोलेंगे। इन दोनों के ऊपर कौन सा क्या हो रहा है? ये पूरी की पूरी एक इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर कहा है इस डाटा के ऊपर क्या करो, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, ये इंस्ट्रक्शन कहलाए। समझ आई बात की डाटा और इंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है? ठीक है, इंस्ट्रक्शंस बताती है कि क्या करना है, व्हाट टू डू, और डाटा होता है कि किसके ऊपर करना है, ठीक है। अच्छा, आप कहता है कि कंप्यूटर रीड्स इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, सीपीयू या कंप्यूटर वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। इट इज वेरी सिंपल डिजाइन एंड जनरल पर्पस, बहुत आसान था वॉन न्यूमैन का डिजाइन। और आजकल की जितनी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जितने डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, वो सब वॉन न्यूमैन के डिजाइन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, ठीक है, इसी पे बेस करते हैं। अब आ जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आपको पता है कंप्यूटर इटसेल्फ कुछ नहीं है, मतलब कंप्यूटर इटसेल्फ अकेली या कोई चीज नहीं है। कंप्यूटर जो है ये मल्टीपल कंपोनेंट से मिलके बना है, काफी कंपोनेंट्स हैं इसके, और हर कंपोनेंट एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, एक खास उसका काम है, ठीक है। और जब ये कंपोनेंट काम करते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ ही एक काम, कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकता। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब है कि वे इन विच वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, वो तरीका जिससे सारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, ये जो तरीका है ना, ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब ये एक इमेज है, अगर आप इमेज देखें, ये सीपीयू है, ये सीपीयू के अंदर इन्होंने दो यूनिट्स हैं सीपीयू के, ALU और कंट्रोल यूनिट। इनपुट डिवाइसेस से इनपुट आती है, सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है ALU और कंट्रोल यूनिट की मदद से, और फिर आउटपुट देता है किसको? आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। फिर आ जाता है मेमोरी यूनिट। आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस, ये दोनों आप चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं ना, कौन कौन सी हैं, ये वो है। फिर आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी है, इसको मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, इसको रैम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम आपके पास प्राइमरी मेमोरी भी है, मेन मेमोरी भी है। ये मेमोरी बहुत मेन मेमोरी होती है, ये इस मेमोरी के बगैर आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, बगैर मेमोरी के। सीपीयू ने सिर्फ प्रोसेसिंग करनी है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसने डाटा कहाँ से उठाना है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से उठानी है, कहाँ पड़ी होंगी, ये सारी चीजें मेमोरी में होंगी। और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज होती है आपके पास परमानेंट मेमोरी, जिसके अंदर आप परमानेंटली डाटा सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स हम बारी बारी डिटेल में सारे पढ़ेंगे, और मेमोरी यूनिट टेम्परेरी होती है। बहरहाल अभी हम इन कंपोनेंट्स का ओवरव्यू लेते हैं, और उसके बाद वन बाय वन एक एक कंपोनेंट को डिटेल में करते जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है सीपीयू। CPU का जो एब्रीवेशन है, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, CPU और प्रोसेसर एक ही नाम है। अब आपके जहन में CPU से आ रहा होगा वो डब्बा,
वो जो कंप्यूटर का डब्बा होता है, ठीक है, उसके अंदर इतना कुछ होता है, वो सब कुछ नहीं, अब एक प्रोसेसर की बात हो रही है, ठीक है, ये एक प्रोसेसर जो सीपीयू है, ये एक छोटी सी वो जो आपके पास सीपीयू के डब्बे के ना डब्बा होता है ना, उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, उन मल्टीपल कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट प्रोसेसर भी है उसके अंदर। अगर आपने कभी वो खोल के देखा हो ना डब्बा, तो उसके अंदर इतना कुछ तारे भी होती हैं, मदरबोर्ड होता है, वो तारे बस होती हैं, और इसके अलावा रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, बैटरी, बड़ा कुछ होता है। फिर हर उसमें जो प्रोसेसिंग करने वाला यूनिट है ना, वो सिर्फ एक ही होता है छोटा सा, वो प्रोसेसर, या फिर उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ब्रेन क्यों कहा जाता है? हमारा दिमाग सारी प्रोसेसिंग करता है ना, इंसानी दिमाग सारी प्रोसेसिंग इंसानी दिमाग कर रहा होता है। इवन हम हमारे जो हम देखते हैं ना आंखों से, जो हमारे सिग्नल्स आंखों के अंदर जा रहे होते हैं, उसको भी ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है और उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, उसको डिकोड कर रहा होता है। सेम इसी तरह कंप्यूटर का दिमाग जो है वो प्रोसेसर है, सारी की सारी प्रोसेसिंग प्रोसेसर ने करनी है, जो क्या करता है, इट प्रोसेसेस और मैनिपुलेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। एक्चुअली होता यह है, ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है, इसके अंदर इसके दो जो भी इसके कंपोनेंट्स है, इनपुट किस तरह से आती है इसको, दो तरह से, एक इंस्ट्रक्शंस जाते हैं प्रोसेसर को कि करना क्या है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, और दूसरा इसके पास क्या जाता है, डेटा जाता है, यानी किसके ऊपर करना है काम, जो करना है वो किस चीज के ऊपर करना है, वो डेटा होता है, ठीक है। और फिर प्रोसेसर क्या करता है, एज अ रिजल्ट इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, यानी आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस के साथ जो भी प्रोसेसिंग करता है और कन्वर्ट करता है इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के दो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट्स जो है, इट एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर। ये आप समझ लें कंप्यूटर की अम्मा होती हैं, जो बैठ के ऑर्डर दे रही होती हैं, ये काम कर लो, वो काम कर लो, सही है। इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। सारी बैठ के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, अब किसने क्या काम करना है, अब किसको क्या काम देना है, ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट। फिर ये एक इसका और ऑपरेशन है, ये क्या करता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ सेव होती है, मेमोरी यूनिट में, ठीक है, ये प्रोसेसर के साथ कहीं एक होता है, साथ ही मेमोरी यूनिट होती है, ये मेमोरी बात हो रही है मेन मेमोरी की, सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन इसके अंदर मौजूद होती है। डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर में मेमोरी यूनिट से लाना किसका काम है, लाना दूसरी तरफ एरो आएगा, ठीक है, फेच करना, लाना किसका काम है, ये काम है सारा कंट्रोल यूनिट का। और फिर उसको डीकोड करना, यानी उन इंस्ट्रक्शंस को समझना कि क्या काम करना है, किस डाटा के ऊपर परफॉर्म करना है ऑपरेशन, ये चीजें समझना, और उसको एग्जीक्यूट करना वन बाय वन, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, ये सारे काम किसके हैं, कंट्रोल यूनिट के। ALU क्या करता है, ये सिंपल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सही है। अब नेक्स्ट आ जाता है अगला कॉम्पोनेंट है मेन मेमरी। मेन मेमोरी की जैसे बात हुई कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, ठीक है, जब भी मेन मेमोरी में सीपीयू में कोई भी काम होना है, प्रोसेसर में यानी सीपीयू में कोई भी काम होना है, उसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस तो आनी आनी है, तो ये कहाँ से आएंगी, ये जो है सीपीयू हमेशा डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी में लोड करेगा। अच्छा, आपको पता है जो हमारा सीपीयू है ना, ये सिर्फ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जो भी कैलकुलेशंस या और जो भी काम है ऑपरेशंस, ये सारे परफॉर्म करता है, ये इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती कि उन चीजों को जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और वो इंस्ट्रक्शंस जिनके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो उसके पास सेव नहीं होते, इसलिए इसने अपने साथ मेन मेमोरी को एसोसिएट किया होता है, मेन मेमोरी को अपने साथ साथ रखता है कि भाई मेन मेमोरी को कहता है जो भी मेरे अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, जो भी कोई इंस्ट्रक्शन चल रही हो उससे रिलेटेड सारा डाटा और उस इंस्ट्रक्शन को तुमने ना अपने पास मेमोरी में सेव रखना है और मेरे साथ ना कोऑर्डिनेट करते रहना है, मुझे बताते रहना है। आप समझ लें सीपीयू का सेक्रेटरी है मेन मेमोरी, ठीक है, ये इससे नहीं, सीपीयू इसके बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये कौन कौन से काम परफॉर्म करता है, सीपीयू क्या करता है मेन मेमोरी में जो डाटा और इंस्ट्रक्शन जिनके ऊपर काम करना है उनको मेन मेमोरी में लोड करता है। कहां से करेगा, कोई सेकेंडरी स्टोरेज से करेगा, कोई ऐसी मेमोरी से करेगा जो कि जिसके अंदर परमानेंट डाटा सेव होता है, कुछ किसी और मेमोरी से करेगा, बहरहाल मेन मेमोरी इसके साथ जुड़ी हुई है सीपीयू के साथ। अच्छा, मेन मेमोरी में रीड जो सीपीयू फिर अगला काम क्या करेगा, एक दफा लोड तो हो गई कहीं और से डाटा और इंस्ट्रक्शंस आ तो गए, अब उस डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू रीड करेगा, फिर
उनके अकॉर्डिंग सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा, जो भी एक डाटा होंगे और इंस्ट्रक्शंस होंगे, सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिर डाटा और रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी, वो आउटपुट भी उसने मेन मेमोरी में स्टोर करवा दे रही है, ठीक है। उस मेन मेमोरी में ही उसने स्टोर करवाना है, उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी कैलकुलेशंस के बाद डाटा आएगा, वो सब कुछ मेन मेमोरी में स्टोर करवाना है, और फिर मेन मेमोरी से बाद में इसको चाहे तो वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए शो करा सकता है, चाहे तो इसको मेमोरी में परमानेंटली स्टोर करा सकता है, परमानेंट मेमोरी में। ये बहरहाल ये बाद की बात है। अच्छा, ये वर्किंग एरिया है कंप्यूटर का। कंप्यूटर इसके बगैर बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकता। अगर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो जाती है ना, हार्ड डिस्क होती है परमानेंट मेमोरी जिसके अंदर परमानेंटली सारा डाटा स्टोर होता है, अगर वो खराब हो जाती है कोई इशू नहीं है, आपका कंप्यूटर फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर की रैम खराब हो जाए या मेन मेमोरी खराब हो जाए, रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, या ठीक है, अगर ये खराब हो जाए तो फिर आप किसी काम के नहीं, फिर आपका कंप्यूटर ऑन तक नहीं होगा, बूटिंग नहीं होगी। आपका कंप्यूटर ऑन होता है जितने ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन प्रोग्राम्स वगैरह हैं, जिससे कंप्यूटर, जिन प्रोग्राम से कंप्यूटर ऑन होता है वो सब भी रैम में लोड होते हैं, तब उसके बाद कंप्यूटर ऑन होता है। बहरहाल अगर आपके रैम नहीं होगी तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट आता है आईओ यूनिट। आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके जरिए आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अब आपका देखें, ये सीपीयू है ना, सीपीयू अब अलग अलग तो नहीं ना, कीबोर्ड से अलग कनेक्ट है, माउस से अलग कनेक्ट है, प्रिंटर से अलग कनेक्ट है, आप तो ढेरों इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो एक यूनिट बना दिया गया आईओ यूनिट के नाम से, ठीक है, आईओ यूनिट के नाम से यूनिट है। सीपीयू या फिर आपका जो मेन मेमोरी है ना, सीपीयू और मेन मेमोरी, ये सारा कनेक्ट किसके साथ होता है, आईओ यूनिट के साथ, विच कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ये पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, इनको आईओ डिवाइसेस भी बोलते हैं, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट हुई हो, यानी बाहर से कनेक्ट हुई हो। अब कीबोर्ड एक अलग चीज है ना, कीबोर्ड आपका उस सीपीयू के डब्बे के अंदर तो नहीं ना होता, तो वो अलग से कनेक्ट हुआ होता है, तो इसका मतलब अलग तार लगाते हैं सीपीयू को और अलग से कनेक्ट करते, वो पेरिफेरल डिवाइस है। प्रिंटर अलग से पेरिफेरल डिवाइस है, एक्सटर्नली कनेक्ट होती है ना, जो चीजें एक्सटर्नली कनेक्ट हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, या वो डिस्क ड्राइव्स जो कि एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव्स होती हैं, एक तो इंटरनल भी होती है ना, वो सारी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, विच कंट्रोल डिफरेंट आईओ डिवाइसेज। आईओ यूनिट क्या करता है, मुख्तलिफ आईओ डिवाइसेज को कंट्रोल करता है। इस आईओ डिवाइसेज से मल्टीपल आगे आपकी डिवाइसेज कनेक्ट होती हैं। आईओ डिवाइसेस, सारी आईओ यूनिट सारी आईओ डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। फिर आ जाता है बस इंटरकनेक्शन। अब आपने बात कर ली कि आपका सीपीयू है जो कि मेन मेमोरी से कनेक्टेड होता है, मेन मेमोरी जो है वो आपके आईओ यूनिट के साथ कनेक्टेड होती है, या आईओ यूनिट जो है वो आपका सीपीयू के साथ भी कनेक्टेड होता है। मतलब दो तरह के काम हो सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आईओ यूनिट से आप कीबोर्ड से कुछ एंटर करें और उसको मेमोरी में सेव करवाना है, तो वो फिर मेमोरी से भी कनेक्टेड होगा, सीपीयू से भी। बहरहाल आपके सारे यूनिट कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड किस तरह है, हमने तो सिंपल एक एरो डाल दिया, ये एरो तो नहीं ना होगा कंप्यूटर के अंदर, ये किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो बस के साथ, बस इंटरकनेक्शन। ये जो हम जहां जहां एरो की बातें कर रहे हैं ना, इसका मतलब है यहाँ पे कोई तार होगी जिसको हम, जिसका नाम हम, ये जो तार होगी ना, ये बस इंटरकनेक्शन कहलाएगी। बस क्या होती है, बस एक इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, ये बस है एक, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिकल पाथ होता है थ्रू विच डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल सिग्नल्स फ्लो फ्रॉम एक कंपोनेंट टू दूसरे कंपोनेंट, फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट सीपीयू है, दूसरा मेन मेमोरी है, इनको आपस में कनेक्ट करने वाली बस है, वो बस एक इलेक्ट्रिकल पाथ है जो कि डाटा इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल सिग्नल्स जितनी भी चीजें हैं वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लेके जाती हैं, ठीक है। इसको कम्युनिकेशन चैनल, इट इज अ कम्युनिकेशन चैनल ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ये कम्युनिकेशन चैनल होता है विच कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से कंपोनेंट, सीपीयू को मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी और आईओ यूनिट, इन सबको आपस में कनेक्ट करने वाली कौन है, वो है बस। कंपोनेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सिस्टम बस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये यहाँ से इसकी मजीद क्लियर होगी। आप ना अपने माइंड में ना कंपोनेंट्स को एक अलग अलग एंटिटी बना के सोचें, ठीक है, और फिर आप देखें कौन सा कंपोनेंट किससे किस तरह से कनेक्टेड होगा, तो आपको ये चीजें इजीली याद होने लगेंगी। अब हमने डिटेल में इन सारे कंपोनेंट्स को देखना है। सबसे पहले सीपीयू को देखते हैं।
ये चीजें हम पहले पढ़ के अभी अभी पिछली स्लाइड में हमने जो ओवरव्यू लिया ये वही ओवरव्यू है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है सीपीयू, इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है। इट परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा, डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है या ऑपरेशन क्या कौन डिफाइन कर रहा होता है, वो इंस्ट्रक्शंस डिफाइन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये बहुत सारे ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है सीपीयू। फॉर एग्जांपल एट द सेम टाइम सीपीयू के पास कोई 5, 6 या 10 इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी आ गई हैं एग्जीक्यूट होने, तो वो उनको भी मैनेज करेगा कि मैंने किसको किस तरह से कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी बाद में करनी है, इस तरह से। अच्छा, सीपीयू को ना सीपीयू के प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, अब ये गौर करें। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर के सीपीयू को, पर्सनल कंप्यूटर क्या है? पर्सनल कंप्यूटर अगर देखा जाए ना जनरेशन ऑफ सीपीयू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो ये आता है माइक्रो कंप्यूटर में। तो माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर को यानी माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होगा वो माइक्रो प्रोसेसर ही कहलाएगा ना, तो इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब है, ये एक सिंगल चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, और वो चिप मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। अब आप देखें ये पूरा जो आपका सिस्टम है सीपीयू का, अगर आप खोल के डब्बा देखें वो पूरा सिस्टम सीपीयू नहीं कहलाता। आपका सीपीयू क्या है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी एक सिंगल चिप, वो सीपीयू है। बाकी सारे कंपोनेंट्स उसके साथ कनेक्ट होते हैं, किसके जरिए, बस इंटरकनेक्शन के जरिए। सीपीयू सेंड्स एंड रिसीव डाटा टू एंड फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट से सीपीयू डाटा सेंड भी कर सकता है हमको, उनसे रिसीव भी कर सकता है, किसके जरिए, बसेस के जरिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है इनके सीपीयू के कंपोनेंट्स। सबसे पहले आ जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने सारे के सारे बड़े बड़े फैसले लेने हैं, इसने सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है, सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करना है, ये सुपरवाइजर है। ठीक है, एक्चुअली कहते हैं कि ये डंडा लेके बैठा होता है और ये सबसे बैठ के सिर्फ अम्मियों की तरह काम करवा रहा होता है, इसने खुद कुछ नहीं करना। अगर एकदम एक साथ 10 इंस्ट्रक्शन आ गई है सीपीयू के पास कि भाई इसको सॉल्व करो, तो वो सीपीयू क्या करेगा एकदम इसको, क्योंकि मतलब है तो मशीन, पैनिक तो नहीं करेगा, लेकिन इसको फिर कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट, वो फैसला करेगा। फिर कंट्रोल यूनिट फैसले करने के लिए बैठा है, वो फैसला करेगा कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, कौन सी बाद में करें, और फिर उसके बाद एक एक इंस्ट्रक्शन जो है ना वो ALU यानी जो अगला यूनिट है इसका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट उसको पकड़ाता जाएगा, और ALU सारी ऑपरेशंस या कैलकुलेशंस परफॉर्म कर करके देता जाएगा। असल जो फैसले करने हैं ना वो किसने करने हैं, कंट्रोल यूनिट ने। ये करता क्या है कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइसेस से लेता है और उसको मेन मेमोरी में स्टोर करना, ये भी एक एग्जांपल है, ये सिर्फ एक छोटी सी कंट्रोल यूनिट के काम की। कंट्रोल यूनिट ने डेटा इंस्ट्रक्शन सारी इनपुट डिवाइसेस से ले लेके मेन मेमोरी में स्टोर करवाते जानी है। अच्छा, इसका एक और काम है, इट कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर। जैसे अभी आपको बताया कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले होनी है, इसके अलावा एक और काम करता है। जैसे आपको अभी कंप्यूटर का बताया ना कि ये सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सीपीयू के साथ मेमोरी लाजमी अटैच होगी। इस मेमोरी के बगैर जो है ना, ये जो मेन मेमोरी है इसके बगैर सीपीयू बेचारा कुछ नहीं है, इसके पास अपनी कोई जगह नहीं है, इसने ये मेन मेमोरी में से जगह ली होती है कि भाई मेरा डाटा, तुमने डाटा हो, इंस्ट्रक्शंस हो, हर चीज तुमने सेव करते जाना है अपने पास, और मैं तुमसे ले लेके सारे काम करूंगा। ठीक है, सीपीयू का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मेन मेमोरी के साथ। अब मेन इसमें कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट का, इसने मेन मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शंस फेच करनी है। फेच का मतलब होता है लानी है, कहाँ से लानी है, वो चाहे तो हार्ड डिस्क से भी ला सकता है, दो तरीके, हार्ड डिस्क यानी कि परमानेंट स्टोरेज कहीं से भी, डिस्क से भी ला सकता है मेन मेमोरी में, या फिर इनपुट आउटपुट IO यूनिट से भी लेके आ सकता है। ठीक है, बहरहाल इसने फेच करके लानी है, ये कहाँ से ला रहा है, लानी इसने मेन मेमोरी में है, क्योंकि सीपीयू का ताल्लुक जो है ना, जो प्रोसेसिंग करने वाला यूनिट है वो सिर्फ मेन मेमोरी के साथ ही इसका कनेक्शन है। अच्छा, ये आप समझ लें, ये फैक्ट्री है सीपीयू का। ठीक है, फिर ये फेच करने का काम किसका है, ये कंट्रोल यूनिट का है। फिर कंट्रोल यूनिट ने उस इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना है। डिकोड का क्या मतलब है कि इसने देखना है, समझना है कि भाई कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो ऑपरेशन मतलब किस डाटा के ऊपर परफॉर्म करना है, ये सारे डिकोड करना है, ये भी कंट्रोल यूनिट ने करना है, और फिर वन बाय वन एग्जीक्यूशन के लिए उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर के ये पास भेजना है कि भाई अब पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी,
अच्छा पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, इसके लिए फला फला डाटा जो है ना ये साथ में भेजो, इन डाटा के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगी है, फला फला डाटा इसके साथ भेजो, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट ने डाटा भेजना, इंस्ट्रक्शन भेजना, एग्जीक्यूशन करवाना वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शन की, ये काम इसका है। अगला यूनिट आ जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, जो कि एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करता है डाटा के ऊपर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, प्लस एडिशन यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये तो आपको पता है, ठीक है, और डिविजन यानी डिवाइड करना। ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ALU, जब ये इस कंट्रोल यूनिट वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस डाटा के साथ भेज रहा होता है ना सारी CPU को कि ये परफॉर्म करो, तो वो परफॉर्म ALU कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट भी खैर CPU का ही पार्ट है। अच्छा लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, यानी कि दो चीजों को कंपेयर करना या कोई अल्फाबेटिक डाटा को कंपेयर करना, वो लॉजिकल यूनिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दूसरे से बड़ा है या नहीं है या छोटा है, ये कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ये आप लोगों ने मैथ में पढ़े हुए हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये इस किस्म के जो ऑपरेशन थे ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेमोरी यूनिट। अब अगला यूनिट हम पढ़ने लगे हैं, अभी तक हमने सारी CPU की बात की, अब हम नए कंपोनेंट की तरफ आ गए हैं, विच इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, जिसके ऊपर प्रोसेसर ने काम करना होता है ना, वो सारा का सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस अपने पास स्टोर करता है। हर पर्सनल कंप्यूटर की एक मेन मेमोरी होती है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग से पहले हमेशा मेन मेमोरी में लोड होते हैं, मेन मेमोरी में लाए जाते हैं, फेच होते हैं, जब मेन मेमोरी में आ जाते हैं फिर उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन CPU परफॉर्म कर सकता है, प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता, क्योंकि CPU का डायरेक्ट कनेक्शन मेन मेमोरी के साथ होता है, ठीक है। ये मेन मेमोरी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो CPU का डायरेक्ट मेन मेमोरी के साथ कनेक्शन होगा। अच्छा मेमोरी रीड्स डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, ये CPU है, CPU मेन मेमोरी डाटा इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेन मेमोरी से रीड करता है, और फिर अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोसेस करता है, सही है। पहले रीड करेगा CPU मेन मेमोरी से डाटा को, और फिर उस डाटा को प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये मैंने ठीक कर दिया। अच्छा तो अब क्या है कि डाटा एंड रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन, अच्छा सिर्फ आपके पास रीड नहीं करना जो प्रोसेसिंग की CPU ने, जो रिजल्ट्स कैलकुलेट किए उसके बाद वो सारे के सारे रिजल्ट्स उसने क्या करने हैं, मेन मेमोरी में रखवा देने, ठीक है। इसको वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, कंप्यूटर इसके बगैर बिल्कुल काम नहीं कर सकता मेन मेमोरी के बगैर। टाइप्स ऑफ मेमोरीज में दो तरह की मेमोरीज आ जाती हैं, रैम और रोम, ठीक है। अब रैम और रोम को देख लेते हैं क्या होती है। पहले सबसे रैम और रोम से पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी होती कैसी है। मेन मेमोरी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई एक चिप होती है, ठीक है, एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर डाटा सेव होता है। हर सेल के अंदर एक बिट स्टोर होती है, बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होती है, या जीरो या वन, ठीक है। अगर बिट जो है वो या जीरो की फॉर्म में डाटा सेव होगा या वन की फॉर्म में। एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं आपको इससे हटके एक बात करूं, ये आपके पास मेमोरी चिप है, इसके अंदर मल्टीपल पल्सेस होती हैं, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात कीजिए ना, मल्टीपल पल्सेस होती हैं, ढेर सारी पल्सेस होती हैं, और ये पल्सेस जो है सेल कहलाते हैं, ठीक है। एक पल्स अगर ऑन होगी तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू वन है, वहां पे बाइनरी डिजिट की वैल्यू वन है। अगर कोई पल्स ऑफ है यानी उसके अंदर करंट नहीं आ रहा तो उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। ये ऑन ऑन का मतलब होता है, ये बहरहाल ये चेंज भी हो सकता है, कई कई जो कंप्यूटर्स हैं हो सकता है उनमें ऐसा हो कि ऑन को जीरो से रिप्रेजेंट करते हो, ऑफ को वन से रिप्रेजेंट करते हो। बहरहाल ये एक ऑन ऑन होता है और एक ऑफ होता है, इसलिए सारे कंप्यूटर के अंदर ऑन ऑफ जो होता है सारा का सारा डाटा 1010 की फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। अच्छा अब सेल जो होते हैं ये लॉजिकली ऑर्गेनाइज होते हैं 8 बिट्स में, यानी ये जो 8 सेल है ना, 8 पल्सेस है, ये मिलके एक
एक बाइट बना देती हैं. कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स आर इज 1 बाइट. ठीक है, बाइट्स की सूरत में सारा डाटा सेव होता है. अब ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 0100 का मतलब होगा पल्स ऑफ है, 1 का मतलब होगा पल्स ऑन है. इस तरह से सारा डाटा सेव होगा और ये 8 बिट्स मिलके एक बाइट बना देगी. मेमोरी में बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक खास एड्रेस दे दिया जाता है जिसको कहा जाता है एड्रेस ऑफ दैट बाइट, यानी कि मेमोरी की लोकेशन, कि ये मेमोरी का एड्रेस है, ये मेमोरी की लोकेशन है. ठीक है, अगर आपने किसी मेमोरी में से डाटा उठाना है, इतनी बड़ी मेमोरी आपको क्या पता कहाँ से उठाना है, तो आप कैसे रेफर करेंगे, आप उसके एड्रेस से करेंगे. जैसे आपके घरों का एड्रेस होता है ना, आपकी पहचान के लिए, आपके घर के पहचान के लिए, उसको फिर फाइंड आउट करना आसान होता है. इसी तरह मेमोरी के भी हर इस तरह बाइट्स में लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है सारे डाटा को, यानी कि सारी मेमोरी को, और उसके अंदर बाइट्स की सूरत में डाटा सेव होता है और हर बाइट का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है. सही है, ये तो हो गया मेमोरी का स्ट्रक्चर. अब आगे आ जाते हैं असेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी. अब आपने मेमोरी में डाटा तो सेव करा दिया, अब उसको डाटा को एक्सेस कैसे करना है, उसको हासिल कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, ठीक है, यानी वापस कैसे उस डाटा को लेना है. मेन मेमोरी आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ बाइट्स है. मेन मेमोरी में सारा का सारा डाटा बाइट्स की सूरत में सेव होता है इन एन ऑर्डर. तो सीपीयू बाइट्स के फॉर्म में उस डाटा को एक्सेस करेगा. कैसे करेगा, उसका एड्रेस देके, बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस, उसका एड्रेस का रेफरेंस देगा कि भाई मुझे फलां एड्रेस में से डाटा उठा के दे दो मेमोरी का. ठीक है, मुख्तलिफ बाइट्स होंगी तो डाटा डायरेक्टली भी असेस कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली और रैंडमली असेस हो सकता है. कैसे, आपने मेमोरी की जो है ना एड्रेस दे दिया मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक टाउन है, आपने अगर कहा वो रियल टाइम एग्जांपल है, मुझे हाउस नंबर 512 का में पहुंचना है, 512 तक जाना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको हाउस नंबर पता आप डायरेक्ट उस एड्रेस के जरिए चले जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि 512 का, आपको उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, सारे वन बाय वन हर घर में पता करते फिरेंगे, पहले एक घर को देखा, फिर अगले घर को छाना, फिर उससे अगले घर को. तो ठीक है, तो डायरेक्ट का क्या मतलब है, डायरेक्टली वहां पहुंच जाना, तो वो कैसे पॉसिबल है, एड्रेस की वजह से. असेसिंग एनी पार्ट ऑफ मेमोरी टेक्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम. टाइम भी उतना ही लगेगा, किसी भी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए सेम टाइम लगेगा. ठीक है, दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस थी ना, जैसे मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, उनसे ये ज्यादा फास्ट है, उनमें होती थी मैकेनिकल मूवमेंट. सही है, ये जब आगे स्टोरेज डिवाइसेस नहीं, आपके बुक में नहीं है, स्टोरेज डिवाइसेज ये क्या होती थी, उनमें मैकेनिकल मूवमेंट होती थी और सिक्वेंशियली डाटा एक्सेस होता था. यानी पहले एक पहला सेल ढूंढा, क्या इसमें मेरा डाटा रिक्वायर्ड डाटा पड़ा, नहीं, फिर अगले सेल पे आए, फिर उससे अगले सेल पे आए, वन आफ्टर द अदर, एक सीक्वेंस में चलते थे. लेकिन जब आप एड्रेसेस के जरिए मेमोरी को एक्सेस करने लगे, तो तब क्या हुआ कि आपके पास कम टाइम इन्वॉल्व हुआ और आपका टाइम बच गया, और ये फास्ट डाटा एक्सेस मेथड है मेन मेमोरी से डाटा एक्सेस करना. फिर आ जाता है पहली टाइप, आपने टाइप देखी थी ना, दो तरह की टाइप है, रैम एंड रोम. सबसे पहले आ जाती है रैम, जो कि मेमोरी की टाइप है, जो कि हम अभी अब तक जितनी बातें करते आ रहे थे ना, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, जिसके बगैर सीपीयू कुछ नहीं कर सकता, सीपीयू का सेक्ट्री है ये रैम, इसके साथ साथ रहेगा, सारा का सारा डाटा यही सेव करेगा, चाहे सीपीयू ने जो भी प्रोसेसिंग करनी हो, जिसके ऊपर करनी है और क्या प्रोसेसिंग करनी है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस, वो सारी की सारी रैम में सेव होंगी, पहले रैम में लोड की जाएंगी और फिर सीपीयू रैम से वो इंस्ट्रक्शंस और डाटा उठा उठा के प्रोसेसिंग करके वापस रिजल्ट रैम में ही रखवाता जाएगा. फिर रैम से वो जो रिजल्ट है वो बाकी दूसरे जहां पे भी पहुंचाना होगा, अगर आउटपुट डिवाइस के जरिए यूजर को कंप्यूटर के ऊपर शो कराना है तो आईओ यूनिट को भिजवा देगा, अगर उसको कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली सेव करना है तो हार्ड डिस्क के पास भिजवा देगा. ठीक है, बेहद सारा का सारा काम रैम के जरिए ही हो रहा है. रैम का क्या मतलब है, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी. यानी रैंडमली मेमोरी एक्सेस की जाती है, मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस की जाती है, कैसे, विद द एड्रेस. अब बताया ना अभी कि हर बाइट का एक एक एड्रेस होता है, तो आपने डायरेक्ट एड्रेस दिया, मुझे फलां एड्रेस के ऊपर जो भी मेमोरी एक्सेस दे दो, मैंने उसके अंदर डाटा रीड कराना है, अगर सीपीयू कह दे तो क्या होगा, डायरेक्टली उस मेमोरी में डाटा को रीड करवाया, राइट करवाया जा सकता है. अगर सीपीयू कहे कि मुझे फलां मेमोरी एड्रेस में से डाटा रीड करना है, तो क्या होगा, आप डायरेक्टली सीपीयू वहां से डाटा रीड कर सकता है. ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ना, रैम कंप्यूटर के अंदर इस तरह का दिखता है. ठीक है, अच्छा,
यूज फॉर स्टोरेज ऑफ एक्टिव प्रोग्राम्स एंड डेटा. ये सबसे मजे की बात. एक्टिव का क्या मतलब है कि वो प्रोग्राम्स या वो डेटा जो इस वक्त सीपीयू जिनको एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, जिनके ऊपर रिसेंटली काम कर रहा है, सिर्फ वो स्टोर होंगे. ऐसा नहीं है कि सारे के सारा कंप्यूटर का डाटा ही रैम के अंदर आके बैठ जाएगा. सीपीयू ने कहा मैंने प्रोग्राम नंबर वन एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम नंबर वन के ऊपर काम करना है, तो प्रोग्राम नंबर वन से रिलेटेड जितना डाटा होगा, जितने जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, जितने प्रोग्राम्स होंगे, वही सिर्फ एक्टिवेट हो, जो एक्टिव प्रोग्राम्स होंगे वही सिर्फ रैम के अंदर लोड होंगे. प्रोग्राम ने, सीपीयू ने उसके ऊपर सारी एग्जीक्यूशन की, उसके रिजल्ट्स दिए, काम खत्म हुआ, सीपीयू ने उस प्रोग्राम को बंद कर दिया, साथ ही मेन मेमोरी से भी या रैम से भी वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. रैम में सिर्फ वही प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होंगे या लोड होंगे जिनके ऊपर सीपीयू ने काम करना है. ठीक है, अब एक दफा सीपीयू ने एक चैप्टर क्लोज कर दिया तो वो चैप्टर दोबारा रैम में नहीं खुलेगा जब तक कि सीपीयू उसको दोबारा खोलने को ना कहे, सीपीयू ने कोई और काम ना करना हो. फॉर एग्जांपल आपने गाना सुना है, आपने कोई एक गाना सुना है आपकी म्यूजिक प्लेलिस्ट में, पहला गाना है, वो रैम में लोड होगा, रैम ने उसको आपको रीड कर करके सारा गाना सुना दिया. ठीक है, फिर वो गाना रैम से खत्म हो जाएगा, गाना खत्म हुआ वो रैम से भी खत्म हो गया. फिर दोबारा आपने दूसरा गाना सुना तो दूसरा गाना लोड हो जाएगा रैम में. फिर आपने दोबारा पहला सुनना चाह रहे हैं तो पहला वाला गाना दोबारा से लोड होगा हार्ड डिस्क में से रैम के अंदर. ठीक है, ये बात समझ आई ना? अच्छा, अभी अगर फॉर एग्जांपल हम रियल टाइम एग्जांपल लें तो सेक्ट्री है रैम सीपीयू का, तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि पूरी की पूरी फाइल का पलंदा एक उठा उठा के उसके सीपीयू के साथ साथ फिरेगा. वो सिर्फ वो वाली फाइल्स उठाएगा जिनके ऊपर एक्टिवली काम हो रहा होगा. सही है. अच्छा, प्रोसेसर डायरेक्टली राइट एंड रीड इंफॉर्मेशन. सीपीयू जो है या प्रोसेसर डायरेक्टली उसका लिंक है मेन मेमोरी के साथ, वो डायरेक्टली राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है. रीड और राइट का क्या मतलब है कि रैम के अंदर डाटा को राइट भी करवाया जा सकता है. राइट कौन कराएगा? जब प्रोसेसर ने कोई प्रोसेसिंग की, कैलकुलेशंस की, रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स उसने राइट करा दिए. या फिर रीड भी कर सकता है मेमोरी, रैम जो है इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है मेमोरी से. ये दो ऑपरेशंस इसने परफॉर्म करने. ये टेम्परेरली स्टोरेज है, यानी कि इसके अंदर टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर होगा, परमानेंट तौर पर नहीं होगा. जिस वक्त तक सीपीयू किसी एक डाटा और इंस्ट्रक्शन पे, खास डाटा और इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, तब तक वो डाटा और इंस्ट्रक्शन रैम में रहेंगी. जैसे ही सीपीयू ने वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस, वो चैप्टर क्लोज कर दिया तो उसके साथ ही रैम में से भी वो सब कुछ खत्म हो जाएगा. ठीक है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको. अच्छा, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं. ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है और ये अच्छी तरह से नाम याद कर ले, वोलेटाइल मेमोरी. इसका मतलब है कि अगर डाटा और प्रोग्राम्स रैम के अंदर सेव हुए हैं, अचानक से लाइट चली जाती है या पावर किसी तरह टर्न ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जो रैम के अंदर पड़ा था, सब खत्म हो जाएगा. इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपने उस चीज को सेव रखना है तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज में, उसको किसी स्टोरेज डिवाइस में अलग से परमानेंटली सेव करना लाजमी है, अदरवाइज सब कुछ उड़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आपने उसको भी सेव नहीं किया. सेव का मतलब है आपने उसको परमानेंटली सेव नहीं किया. जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो वो रैम में साथ साथ सब कुछ सेव हो रहा होता है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी होता है. अगर बीच में लाइट चली जाती है तो क्या होगा, वो सब सारा काम उड़ जाएगा. जब अगर आपने उसको सेव किया हुआ है किसी हार्ड डिस्क में या किसी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, तो फिर वो नहीं उड़ेगा, फिर वो सेव रहेगा, आप उसको बाद में ले सकते हैं. तो वोलेटाइल होने का मतलब है कि जब भी पावर टर्न ऑफ होगी तो प्रोग्राम और डाटा लॉस्ट हो जाएगा. अच्छा, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बाइट्स में मेजर की जाती है. सीपीयू पीसीज में रैम साइज 4GB होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है. जितना ज्यादा रैम होगा इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम, आपका प्रोसेसर, आपका कंप्यूटर उतने पावरफुल प्रोग्राम्स उसके ऊपर रन कर सकता है, बड़े बड़े साइज के प्रोग्राम्स उसके ऊपर रन कर सकता है, ज्यादा स्पेस मिल गई ना उसको. अच्छा, इट इम्प्रूव्स डाटा प्रोसेसिंग स्पीड, डाटा प्रोसेसिंग स्पीड भी इससे बढ़ जाती है. अच्छा, जब आपको भी मोबाइल लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो हमेशा क्या पूछते हैं, इसकी रैम कितनी है? कभी आप लोगों ने सोचा हो तो आप लोगों ने, शायद आप लोग पूछते हो. वैसे अगर आपने देखा आप कोई बड़े जाए तो यही चार पांच चीजें होती हैं, एक रैम कितनी है, कैमरा कितना है मोबाइल का, और मोबाइल का स्क्रीन कितनी है, ऐसे ही पूछा जाता है ना.
रैम का क्या मतलब है कि वो कितनी जितनी ज्यादा रैम होगी इसका मतलब है उसकी उतनी फास्ट स्पीड है, उतनी तेजी से आपका मोबाइल वर्किंग करेगा, उसके ऊपर जितनी मर्जी एप्लीकेशन खोल के काम कर लो तो वो ज्यादा, अगर कम रैम होगी तो आपकी एप्लीकेशन स्टक होना शुरू हो जाएंगी बीच में, वो बीच में मोबाइल अटक अटक के चलेगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ रैम। रैम की भी आगे दो किस्में हैं, एक है डी रैम एक एस रैम। डी रैम क्या है, ये टाइप्स ऑफ रैम पे आ गए हैं हम। अब ये दो तरह की टाइप्स हैं रैम की, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है डी रैम विच इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा ये ज्यादातर कंप्यूटर्स में यूज होती है। इसका मसला पता है क्या है, ये क्या करती है, हम चले आप ये सोचें, आप लोग बात कर रहे हैं रैम, रैम जो है वो एक कंप्यूटर का यानी सीपीयू का एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन साथ साथ ले लेके उसके पीछे पीछे फिर रहा होता है, सही है। उसी का काम है सारा डाटा और इंस्ट्रक्शन इकट्ठी कर करके लेके आना और जब सीपीयू को चाहिए और सीपीयू को ला ला के उसको देना, सही है। अब डी रैम एक ऐसे तरह का फैक्ट्री है। अब ये जो मैं फैक्ट्री वाली बातें और ये चीजें कर रही हूँ ना, आप लोगों ने ये पेपर में नहीं लिखी आनी, ये मैं आप लोगों को सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। पेपर में आपने वही लिख के आना है जो बुक में लिखा हो, बुक रीड करनी है आपने इसकी। अच्छा अब ये डी रैम एक ऐसा फैक्ट्री है जो कि ना जिसको हर थोड़ी देर बाद रिफ्रेश होना पड़ता है, इसको बात समझाना पड़ता है। ये कहता है भाई मैं रिफ्रेश होके आऊंगा फिर आके काम होता है। तो जब ये जिस टाइम के लिए जितने अरसे के लिए ये सारा काम छोड़ के वॉशरूम गया हुआ है यानी कि रिफ्रेश होने गया हुआ है, अपने मुंह के छिट्टे छुट्टे मारने गया हुआ है, नहीं मारेगा तो ये कहता है भी मेरे से सारा डाटा लॉस हो जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तो अच्छा ये अपने आप को रिफ्रेश करने गया हुआ है, पीछे से सीपीयू बैठ के वेट करेगा कि भाई सारी डाटा इंस्ट्रक्शन सब कुछ तो इसने ला के मुझे देना है, इसके पास पड़ी है, सीपीयू को तो खुद कुछ नहीं पता। तो सीपीयू बैठ के वेट करेगा, अगर उसने कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड करनी है या मेमोरी में कुछ राइट कराना है तो इसको वेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा काम इसलिए थोड़ा स्लो मेमोरी है ये, जबकि एस रैम का सेक्टरी बहुत एफिशिएंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत फास्ट है। वो कहता है भी मुझे रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है। एस रैम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको अच्छा ये रिफ्रेश पता है कैसे होती है रैम, अगर हम कंप्यूटर की जुबान में देखें, अगर डी रैम जो है रिफ्रेश होगी उसको इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए होता है बार बार, ये इलेक्ट्रिक चार्ज से अपने आप को बार बार रिफ्रेश करती है, इसीलिए अगर ये नहीं करेगी तो इसका डाटा लॉस हो जाएगा और रिफ्रेशिंग के प्रोसेस के दौरान सीपीयू को वेट करना पड़ता है, इसलिए स्लो मेमोरी है। जबकि एस रैम में इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको कोई जरूरत नहीं है बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज से रिफ्रेश करने की। तो जब रिफ्रेश नहीं होगा तो ये डी रैम से ज्यादा फास्ट है क्योंकि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ रहा और ये डी रैम से पावर भी लेस ले रहा है, कम पावर ले रहा है रिफ्रेश करने के लिए। डी रैम को बार बार पावर इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए था, पावर चाहिए था, एस रैम को ये सब नहीं चाहिए तो वो कम पावर ले रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये तो हमारी दुनिया का रूल समझ लें आप, जो चीज ज्यादा अच्छी होती है वो ज्यादा महंगी होती है, इसी तरह ये चीज ज्यादा अच्छी है तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगी है। एस रैम टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ना बहुत ही फास्ट मेमोरी कैशे मेमोरी जो है ना बिल्ड की जाती है, जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। कैशे मेमोरी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ना, ये हम वही वाली एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक्चुअली कैशे मेमोरी ना सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान में पाई जाती है। हम वही वाली एक डायग्राम बना लेते हैं जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उससे समझना हमारे लिए आसान रहेगा। सीपीयू और मेन मेमोरी, इनका चोली दामन का साथ है, ये तो आप लोगों को पता चल गया ना, इसके बगैर ना सीपीयू बेचारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसने इसी से डाटा और इंस्ट्रक्शंस लेनी है, प्रोसेस करके इसी में वापस रखवानी है रिजल्ट्स। अब अगर सीपीयू को फॉर एग्जांपल मेमोरी में चाहिए, मेमोरी में कोई कोई चीज पड़ी है, फॉर एग्जांपल कोई ए चीज पड़ी है, ए नामी या एक्स वाई जी कह लें, कोई एक्स वाई जी नामी कोई चीज पड़ी है, ठीक है। सीपीयू ने कहा मेमोरी से मुझे एक्स वाई जी रीड करना है। अच्छा मेमोरी ने निकाल के उसको सारी अपनी मेमोरी पहले छानी, उसमें से उसको सारा ढूंढा एक्स वाई जी कहाँ पड़ा है, वो मिल गया, उसने उसकी वैल्यू जाके उस सीपीयू को दे दी कि ये लो भाई रीड कर लो, अपनी प्रोसेसिंग कर लो। सीपीयू ने प्रोसेसिंग की, थोड़े अरसे बाद उसने कोई और प्रोसेसिंग में लग गया, फिर कुछ टाइम बाद ही उसने दोबारा उसको किसी और काम के लिए दोबारा एक्स वाई जी की जरूरत पड़ गई सेम डाटा की, उसने दोबारा मेमोरी को कहा, मेमोरी ने दोबारा नए सिरे से उसको छाना, छान के ढूंढ के सर्चिंग करके ला के उसको दोबारा से वैल्यू दे दी। ये एक प्रोसेस होता है कोई चीज निकाल के देना, ठीक है, क्योंकि मेमोरी अच्छी खासी बड़ी होती है,
उसमें से कोई पहले पहले एड्रेस को कैलकुलेट किया जाता है, मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करती है कि किस एड्रेस पे फलां चीज पड़ी होगी, फिर उस एड्रेस में से चीजें उठा के देती है सीपीयू को, ठीक है। उसने ये सारे सेट स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद दोबारा एक्स वाई जी दे दिया, थोड़ी देर बाद दोबारा सीपीयू ने एक्स वाई जी मांग लिया, सेम चीज सेम डाटा बार बार जब सीपीयू मांगेगा तो मेन मेमोरी ने कहा भाई मैं एक काम करता हूँ, एक ना एक और मेमोरी यहाँ बीच में दे दो। वो एक और मेमोरी यानी कैशे मेमोरी बीच में इंट्रोड्यूस करा दी गई कि बजाय जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही हैं, उसको कैशे मेमोरी में रखवा देते हैं। सीपीयू मेन मेमोरी की बजाय पहले कैशे मेमोरी में सर्च करे इंस्ट्रक्शन, अगर वहां से मिल जाती है वहीं से उठा ले, अगर नहीं मिलती तो फिर वो उसको लोड करे, ठीक है। वरना अदरवाइज क्या था, अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड, अगर बार बार एक ही चीज सर्च करी जाओ, सेम टाइप ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन सर्च करी जाओ ले ही जाओ, तो क्या हो रहा था कि टाइम वेस्ट होता है और परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो रही थी। अच्छा, कैशे मेमोरी बहुत छोटी होती है, इज वेरी स्मॉल बट वेरी फास्ट मेमोरी, सही है, बहुत फास्ट मेमोरी होती है, लेकिन इट इज यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर। अच्छा, अक्सर औकात ऐसा होता है कि सीपीयू के साथ बिल्ड इन होती है ये, मदरबोर्ड के ऊपर हमारा सीपीयू लगा होता है ना, प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर के अंदर बिल्ड इन ही कैशे मेमोरी पड़ी होती है। प्रोसेसर ये जो मैंने यहाँ पे डब्बा बनाया है ना, ये डब्बा इसके साथ ही यहाँ पे कहीं कैशे मेमोरी का साथ ही अटैच होता है, ठीक है, यहाँ होने के लिए बिल्ड इन का मतलब ये है इसके साथ ही होती है, या एक ये अलहदा से सेपरेट चिप होती है जो कि कैशे मेमोरी और सीपीयू के दरमियान में, सॉरी रैम और सीपीयू के दरमियान में कहीं पाई जाती है। जैसे ये जो अभी हमने बनाया था, ये के दरमियान में कहीं कैशे रैम और सीपीयू के दरमियान में कहीं कैशे मेमोरी होती है, बिल्ड इन नहीं होती प्रोसेसर के साथ, एक्सटर्नली होती है, ठीक है। मदरबोर्ड के ऊपर ये तीनों अलहदा अलहदा लगी होती हैं, पर एक प्रोसेसर लगा होता है, कैश मेमोरी लगी होती है, एक रैम या मेन मेमोरी ये लगी होती है, ठीक है। ये दो तरीके हैं बहरहाल। अच्छा, इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस और डाटा। फ्रीक्वेंटली यूज का मतलब है जो बार 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 जो यूज हो रही है इंस्ट्रक्शंस और डाटा, उनको स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी सीपीयू को कोई खास किस्म की इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या डाटा चाहिए होता है तो वो फौरी तौर पे कैशे मेमोरी से उठा लेता है, इससे सीपीयू की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, बजाय इसके कि वो बार बार उस डाटा को मेमोरी में रैम में जाके ढूंढ के लेके आए, तो वो कैशे मेमोरी जो उसके करीब तरीन है, कई दफा सीपीयू के साथ प्रोसेसर के साथ ही बिल्ट इन होती है, तो वहीं से उठा लेता है, जिसकी वजह से सीपीयू की स्पीड बढ़ गई। अगर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो कि हमें रिक्वायर्ड है, यानी जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हो रहे, वो प्रोसेसर में उसमें आपको कैश मेमोरी में नहीं मिलते, तो क्या होता है, प्रोसेसर उसको लोड कर लेता है, उन डाटा और इंस्ट्रक्शंस को लोड कर लेता है, कहां से, रैम के अंदर, पहले रैम में लोड करता है डिस्क में से, ये फॉर एग्जांपल इसको कोई चीज नहीं मिली तो ये हार्ड डिस्क है, ये इसमें से डिस्क में से लोड करेगा रैम में, और रैम में से फिर लोड करेगा कैश मेमोरी में, ठीक है, एक कॉपी कैश मेमोरी में भी उसकी स्टोर कर देगा, सही है। अब आगे चलते हैं, रोम, ये एक और मेमोरी की टाइप है, ये क्या होती है, इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रोम का मतलब है आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी मेमोरी होगी जिसको रीड कर सकते हैं, यानी इसमें राइट नहीं कर सकते, रैम में तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं ना, इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो इसका इस्तेमाल कहाँ है भाई, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड बाय मैन्युफैक्चरर एट, अच्छा इसके अंदर फिर डेटा और इंस्ट्रक्शन आएंगी कहाँ से जिसको रीड करना है, तो वो कैसे आएंगी कि जब उस रैम को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, जो उसको मैन्युफैक्चर करता है, जो उसको बनाता है, बनाने वाला बनाने के वक्त ही उसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन पहले से स्टोर कर देता है, जो कि कैन नॉट बी चेंज आफ्टरवर्ड, बाद में चेंज नहीं की जा सकती, एक दफा स्टोर हो गई, बनाने वाले ने जब बनाया उसने बना के उसी के अंदर आपको स्टोर करके दे दी, ठीक है, फिर आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक लेते हो, कोई भी बुक के ऊपर जो बुक लिखने वाला है उसने पहले से लिख के प्रिंट करके सारा उसके अंदर कंटेंट आपको दिया होता है, आप सिर्फ वो आपके लिए रीड ओनली बुक होती है, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो। लेकिन जो रजिस्टर है जिसके ऊपर या कॉपी है, तो वो आपके पास ब्लैंक होती है, आप उसके ऊपर रीड भी कर सकते हो, उसको राइट भी कर सकते हो, उसके अंदर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लिख भी सकते हो, और अपनी ही लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप समझे, रोम जो है वो एक बुक है,
जबकि रैम एक था, एक कॉपी थी। अच्छा, डाटा और इंस्ट्रक्शंस कैन ओनली बी रीड, उसको राइट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अच्छा, इसमें और रैम में क्या फर्क है? इसमें परमानेंटली डाटा सेव हो जाता है, टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंटली होता है। एक बार सेव कर लिया आपका, चाहे बिजली चली जाए, चाहे लाइट बंद हो जाए, चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, डाटा उसके अंदर सेव ही रहता है। इसको ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है कि चाहे पावर टर्न ऑफ हो जाए, चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए, इंस्ट्रक्शंस लॉस नहीं होती, डाटा डिलीट नहीं होता, पड़ा रहता है। अच्छा, इसके अंदर किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं? ऐसी कुछ खास ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि बूटिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। बूटिंग कहते हैं जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो वो जो शुरू में कुछ लिखा आ रहा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ वाला लैपटॉप है, तो आजकल तो उसके ऊपर यही लिखा आ रहा होता है कि नवाज शरीफ का सलाम सबको, या शहबाज शरीफ का, इस किस्म की चीज लिखी आ रही होती है। या फिर आप एचपी का लैपटॉप ऑन करते हैं, तो एचपी का एक लोगो सा पहले बना आता है, और उसके बाद वेलकम आता है, और फिर वो कंप्यूटर लोड हो रहा होता है, एक्चुअली बैक एंड पे लोड हो रहा होता है, और फ्रंट एंड पे आपको वेलकम और इस तरह की चीजें शो हो रही होती हैं। तो वो जो बैक एंड पे सारा काम हो रहा होता है ना, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, ये सारे काम क्या हो रहा होता है? बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। जब भी कंप्यूटर ऑन होता है, तो जो इंस्ट्रक्शंस रॉम में होती हैं ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं, और कंप्यूटर को यूज करने में प्रिपेयर करती हैं, ताकि कंप्यूटर को आप इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले रॉम एक्टिवेट होता है। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना किसी भी कंप्यूटर का, जो कि किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ हिस्सा रॉम में पड़ा होता है। सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रॉम। रॉम की भी मुख्तलिफ अक्साम है। सबसे पहले आ जाती है पी रॉम। पी रॉम एक ऐसी, इसके पहले एब्रिविएशन देख लें, विच इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सही है। ये इनिशियली ब्लैंक होती है, शुरू में खाली होती है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। जब इसको बनाने वाला यूजर या मैन्युफैक्चरर, जो भी इस रॉम पी रॉम को बनाता है, उसके अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को राइट कर देता है उस वक्त, बनाते वक्त। किस तरह? बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस, स्पेशल डिवाइसेस की हेल्प से। एक दफा सारा डाटा और सारा प्रोग्राम, सारी इंस्ट्रक्शंस, जो भी आपने इसके अंदर लिखना था वो लिख दिया, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, पत्थर पे लकीर हो गया, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाता है, लिखते लिखते आपका प्रोग्राम या डाटा में कोई एरर आ गया, तो आप समझे आपकी पीरॉम चिप जो है ना, वो बेकार हो गई, जाया हो गई, अनयूजेबल हो जाती है, उसको रिमूव नहीं कर सकते आप एरर को, वो अनयूजेबल हो गई। फिर नेक्स्ट आ जाती है ई पी रॉम चिप, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये थोड़ी सी एडवांस आ गई उससे। इसमें क्या था कि ये भी इनिशियली ब्लैंक ही होती है, शुरू में ये खाली होती है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरर जो है, जो बनाने वाला है, इसके अंदर डाटा लिखता है या प्रोग्राम लिखता है, उसी तरह यूजिंग स्पेशल डिवाइसेज, जैसे पी रॉम में लिख रहा था। लेकिन इसमें एक फर्क है, अगर कोई एरर आ जाता है इनकेस, या आपको कोई प्रोग्राम या डाटा रिमूव करना पड़ जाता है, तो आप उसको स्पेशल डिवाइसेस या अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से रिमूव कर सकते हैं, और नया डाटा उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, ऑलरेडी डाटा इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये काम कब होगा? जब तक कि आप ईपी रॉम को फाइनल नहीं कर लेते। जैसे ही आपने ईपी रॉम को इस्तेमाल में ले आए, फिर वो सिर्फ रीड ओनली होगी, फिर आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। मार्केट में आ गई, इस्तेमाल में ले आए, फिर रीड ओनली है। अगली आ जाती है डबल ई पी रॉम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप डाटा को राइट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, नया डाटा ऐड भी कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। किस तरह? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। बाकी दो में स्पेशल डिवाइसेस थी, इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के जरिए डाटा कैन बी मॉडिफाइड इजीली। इजीली मॉडिफाई का मतलब है चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रॉम। रॉम और रैम, इनमें फर्क यही दो पढ़े हैं ना आपने। रॉम होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम होता है रीड एंड राइट मेमोरी। इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रॉम परमानेंट होती है, रैम टेम्परेरी होती है। परमानेंट का मतलब रॉम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, चाहे बिजली चली भी जाए, चाहे पावर टर्न ऑफ हो जाए, आपका डाटा लॉस नहीं होता, जबकि रैम में पावर टर्न ऑफ होने से डाटा लॉस हो जाता है। रॉम में मैन्युफैक्चरर डाटा सिर्फ मैन्युफैक्चरर राइट कर सकता है। कब करता है? एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जबकि रैम में यूजर डाटा राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, और कभी भी कर सकता है जब भी डाटा प्रोसेसिंग हो रही हो। रॉम की स्टोरेज कम होती है, रैम की स्टोरेज लार्ज है। रॉम में डाटा स्पेशल डिवाइसेस और अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से लिख राइट किया जाता है, जबकि रैम में
डाटा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की मदद से राइट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसके बाद कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस क्या होती है? जो कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रही होती है, एक 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 जगह से पैगाम लेके दूसरी जगह लेके जा रही होती है, एक कंपोनेंट का पैगाम दूसरे कंपोनेंट तक लेके जा रही होती है। आपको पता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जो कि आपस में पैरेलल लाइंस या कंडक्टिंग वायर्स के जरिए, कंडक्टिंग वायर्स यानी तारों के जरिए या पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, इनके जरिए इंटरकनेक्टेड होते हैं। बस इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ्स, इलेक्ट्रिकल पाथ्स प्रोवाइड करती है जिसके जरिए कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्या होंगे? सीपीयू से ही सबने कम्युनिकेट करना है, तो क्या होगा? थ्रू विच कंप्यूटर यानी सीपीयू सेंड एंड रिसीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू एंड फ्रॉम मुख्तलिफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। डेटा, इंस्ट्रक्शंस और कमांड सिग्नल्स, इनको सेंड या रिसीव किया जाता है। कौन करता है? सीपीयू सेंड करता है या रिसीव करता है थ्रू टू एंड फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसको कंप्यूटर का बैकबोन भी कहते हैं। अब देखें ब्रेन किसको कहा? ब्रेन कहा आपके उसको सीपीयू को जो प्रोसेसिंग करता है, और कंप्यूटर का बैकबोन कहा कंप्यूटर बस को। अगर आपको पता हो कि हमारे जो बैकबोन है ना, हमारी इंसान की ह्यूमन बैकबोन, ये बहुत सारे सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचा रही होती है। अगर खुदा ना खास्ता कहते हैं बैकबोन में कोई मसला हो जाए तो आप पैरालाइज हो सकते हैं। बैकबोन में मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो टांगों को कंट्रोल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बाजुओं को कंट्रोल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक डैमेज हो जाए तो उससे एसोसिएटेड जो भी ऑर्गन होता है वो डैमेज हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। आपको पता है ये जो हमारी सेंसेस हैं, हम फीलिंग सेंस है, इनकी भी सारी इंफॉर्मेशन सारी बैकबोन के जरिए दिमाग तक पहुंच रही होती है। इसीलिए कहा गया है कि कंप्यूटर बस को कंप्यूटर की बैकबोन कहा है, जो पैगामात, जो कि सेंसेस, जो कि सिग्नल्स एक कंपोनेंट से दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग से बॉडी के मुख्तलिफ और कंपोनेंट्स, बॉडी के कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, विदाउट बस कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। जब वो बस के बगैर कोई, आप एक दूसरे के साथ किसी और कंपोनेंट के साथ सीपीयू कनेक्ट ही नहीं कर सकेगा, कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेगा, तो वो कैसे कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, कैसे कोई काम करेगा? सही है। इसी तरह कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता किसी की बैकबोन फ्रैक्चर हो जाए या बैकबोन में कोई इशू आ जाए तो फिर इंसान बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, वो हिल भी नहीं सकता। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? बस ट्रांसफर डाटा, बसेस ट्रांसफर डाटा कैसे? इनपुट डिवाइस से मेमोरी में ट्रांसफर कर सकता है, या मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस तक ट्रांसफर करना है, या स्टोरेज डिवाइसेस तक करना है, या मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान ट्रांसफर करना हो। ये सब एग्जाम्पल है कि आप बस के जरिए डाटा ट्रांसफर इस तरह कर सकते हैं। अब बस की कैपेसिटी की अगर बात कर लें, इसके अंदर जगह कितनी है, ये कितना डाटा ले जा सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी डाटा लाइंस के ऊपर। अगर किसी बस की 16 लाइंस हैं तो वो 16 बिट्स एट अ टाइम कैरी कर सकता है, यानी लेके जा सकता है, 16 बिट्स को उठा के लेके जा सकता है। आगे आता है बस विड्थ। बस विड्थ क्या है? यानी अमाउंट ऑफ डाटा और अ नंबर ऑफ बिट्स डेटा बस कैन कैरी एट अ टाइम। एक वक्त में बस कितना डाटा उठा के लेके जा सकती है, बस विड्थ कितनी है? अगर 32 लाइंस हैं किसी भी बस की तो वो 32 बिट्स एट अ टाइम कैरी कर सकती हैं। इसे बस विड्थ भी कहते हैं बहरहाल। ठीक है, बस कैपेसिटी और बस विड्थ। लार्जर नंबर ऑफ बिट्स हैंडल्ड बाय बस फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट। जितनी ज्यादा बिट्स कैरी करेंगे उतना ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन होगी, फास्ट डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बसेस आ जाती हैं। पहली टाइप है हमारे पास सिस्टम बस। अभी अगर आप ये डायग्राम पे गौर करें ना, ये तीन तरह की बसेस हैं, एड्रेस डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, ये सिस्टम बस की एग्जांपल है। इसके अंदर ये तीनों सिस्टम बसेस हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये सीपीयू के साथ, सीपीयू में ALU आ जाता है, रजिस्टर्स जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो आ जाते हैं, या कंट्रोल्स आ जाते हैं, या कंट्रोल यूनिट, या मेमोरी के साथ भी कनेक्टेड होती हैं और IO यूनिट के साथ भी कनेक्टेड होती हैं, मेन यही है ना। सिस्टम बसेस क्या होती हैं? जो कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, IO यूनिट हो गया, इनको आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, ये सच है सीपीयू एंड मेन मेमोरी ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के साथ सीपीयू और मेन मेमोरी को कनेक्ट करने वाली सिस्टम बस है। सिस्टम बस इज अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। ठीक है, इसमें नॉर्मली 70 to 100 लाइंस होती हैं,
तीन तरह के सिस्टम बसेस हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, जो कि हम पढ़ेंगे। एक और होती है, वो होती है एक्सपेंशन बसेस। ये क्या करती हैं कि सीपीयू को या प्रोसेसर को पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जो कि एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉडम, प्रिंटर। ये सारा कुछ मदरबोर्ड के साथ तो अटैच नहीं है, वो सिस्टम का जो एक डब्बा होता है सिस्टम यूनिट का, उसके अंदर तो नहीं होती, ये एक्सटर्नली होती है और फिर बसेस के जरिए, एक्सपेंशन बस के जरिए प्रोसेसर के साथ अटैच होती है। प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद पेरिफेरल वाया एक्सपेंशन बस एंड सिस्टम बस। एक्सपेंशन बस और सिस्टम बस दोनों के साथ मिल के प्रोसेसर इन डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है और इसकी बिट होती है फ्रॉम 16 to 64 bits। ठीक है, अब बारी बारी सारी डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस देखते हैं। सबसे पहले डाटा बस, सिस्टम बस की टाइप्स हैं। ये एक ऐसी बस होती है जो कि डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को कंपोनेंट्स के दरमियान में ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक है सीपीयू, ठीक है, ये प्रोसेसर है, ये आपके पास मेमोरी है, ठीक है, ये सीपीयू है और ये आपके पास रैम है या मेमोरी है। इसके अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस रैम में पड़ी होंगी सारी की सारी। सीपीयू को जब चाहिए होंगी तो क्या करेगा वो, ये जो मैं एरो पहले अब तक बना रही थी ना, आप समझे ये एरो इस वक्त डाटा बस है, वो डाटा बस के जरिए ही डाटा को सीपीयू और रैम के दरमियान में ट्रांसफर कर सकता है। अगर रीड करना है सीपीयू ने डाटा को तब भी, और अगर राइट करना है तब भी। इट कनेक्ट सीपीयू, सीपीयू किस किस के साथ कनेक्टेड होती है, ये सीपीयू, मेमोरी और भी कोई हार्डवेयर डिवाइसेस मदरबोर्ड के ऊपर हो उनके साथ कनेक्टेड होती है। ये बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि सीपीयू से रैम तक डाटा आ भी सकता है और रैम से सीपीयू तक डाटा जा भी सकता है, दोनों तरफ एरोज होते हैं, बाई डायरेक्शनल होती है। फॉर एग्जाम्पल, सीपीयू ने, सीपीयू मेमोरी से, वही बात हुई कि सीपीयू मेमोरी से डाटा रीड भी कर सकता है। जब सीपीयू मेमोरी से डाटा रीड करेगा तो क्या होगा, रीड करते हुए रैम से डाटा सीपीयू की तरफ जाएगा, और जब सीपीयू ने राइट करना है डाटा रैम में तो सीपीयू से रैम की तरफ डाटा आएगा और रैम में राइट होगा। ठीक है, इसके अंदर 8 lines, 16, 32 और 64 lines हो सकती हैं। 64 lines का मतलब है कि 64 bits at a time transfer होंगी, 16 lines का मतलब है 16 bits at a time transfer होंगी। जितनी number of lines होंगी उतनी ज्यादा data transfer rate ज्यादा होगा और उतनी speed अच्छी होगी। ठीक है, next आ जाती है address bus। address bus भी एक bus होती है जो कि address information carry करती है। ठीक है, पहले हमारी डाटा बस जो थी वो डाटा ट्रांसफर कैरी कर रही थी, एड्रेस बस एड्रेस इंफॉर्मेशन कैरी करेगी, डाटा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेमोरी लोकेशन, एड्रेस हम मेमोरी की लोकेशन की बात कर रहे हैं ना, मेमोरी लोकेशन करेगी। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सीपीयू था, ठीक है, सीपीयू ने रैम को कोई डाटा रीड करना है रैम से, ठीक है, मेमोरी से यानी के, तो वो रैम को एड्रेस बस के जरिए कहेगा मुझे फलां लोकेशन का डाटा रीड करना है, मुझे फलां लोकेशन का डाटा चाहिए। ठीक है, तो एड्रेस बस जो रैम है वो डाटा बस के जरिए, ये एड्रेस बस है, ठीक है, वो डाटा बस के जरिए वो डाटा सीपीयू तक पहुंचा देगी। सो ये डाटा बस ने सिर्फ डाटा कैरी करना है और एड्रेस बस ने एड्रेस इंफॉर्मेशन कैरी करनी है। अच्छा, ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक डायरेक्शन में सिर्फ इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, या सीपीयू से रैम तक होगी, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन में फिर फ्लो नहीं हो सकती। सीपीयू कैन ओनली सेंड एड्रेस इंफॉर्मेशन और कोई इंफॉर्मेशन और रिसीव नहीं करेगा, सिर्फ एड्रेस इंफॉर्मेशन सेंड होगी। ठीक है, ये कंपोनेंट्स एड्रेस बस के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं और हर कंपोनेंट का एक अपना यूनिक आईडी होता है, हर कंपोनेंट का अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, और जब भी कोई कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को कम्युनिकेट करना चाहता है, उससे बातचीत करना चाहता है, तो उसके एड्रेस से उसको मुखातिब करता है। सही है, उसके एड्रेस से जो है ना एड्रेस देता है, उसका एड्रेस यूज करता है। अब ये एक एग्जांपल है, सपोज सीपीयू नीड्स टू रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से डाटा रीड करना है तो किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डाटा रीड करेगा, ये जैसे अभी हमने बात की दोबारा देख लेते हैं। सीपीयू क्या करेगा कि रैम को एड्रेस भेजेगा या वो लोकेशन भेजेगा जिस लोकेशन से डाटा रीड करना है, किसके ऊपर, एड्रेस, एड्रेस बस के जरिए। एड्रेस मेमोरी तक पहुंचेगा, मेमोरी उस डाटा को फेच करेगी, यानी कि अगर उसके अंदर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं मौजूद तो हार्ड डिस्क से या जहां से भी उठा के लेके आना है उस डाटा को लेके आएगी और उस डाटा को फिर प्लेस कर देगी डाटा बस पे और डाटा बस उसको सीपीयू तक लेके जाएगा।
और सीपीयू उस डाटा को डाटा बस से रीड कर सकता है। ठीक है, एड्रेस बस की विड्थ कितनी होती है, 16 to 32 bits तक होती है। अब नेक्स्ट आ जाती है विच इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस दो तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, सेंड करता है। एक कंपोनेंट्स के दरमियान में दो तरह की इंफॉर्मेशन भेजता है, वो कौन से, उनको कंट्रोल सिग्नल्स बोलते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स दो तरह के हो जाते हैं, वो होते हैं टाइमिंग इंफॉर्मेशन और कमांड सिग्नल। टाइमिंग इंफॉर्मेशन क्या है, टाइमिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कितनी देर कोई एक कंपोनेंट या कोई एक डिवाइस डाटा और या एड्रेस बस को जो है ना यूज कर सकती है। ये टाइम जो है ना, ये सारा डिसाइड कौन करता है, ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन कंट्रोल बस के जरिए जाती है कि भाई सीपीयू कहता है कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ इतने सेकंड्स हैं, इतने सेकंड में डाटा रीड कर लो। ये ना वो ये कंपोनेंट डाटा बस को या एड्रेस बस को लेके बैठा ही रहे और फिर बाकी सारे कंपोनेंट्स इंतजार में बैठे रहे कब ये छोड़ेगा तो हम इसको जो है ना इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल कोई ना कोई मैनेजर होता है, वो मैनेजर कौन है, कंट्रोल बस है। या इसके जरिए कमांड सिग्नल भी भेजे जाते हैं। कमांड सिग्नल का क्या मतलब है कि कोई ऐसा ऑपरेशन जो कि परफॉर्म करना हो, हम एग्जाम्पल करेंगे आपको मजीद समझ आएगी। सीपीयू यानी सीपीयू का कंट्रोल यूनिट, ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जो हमने कहा था कि डंडा लेके बैठा होता है और अम्मी की तरह बैठ के सारे ऑर्डर्स देता है और फैसले करता है और फिर सबको बकाता है कि फला काम तुमने करना है, फला काम तुमने करना है, इतना टाइम है तुम्हारे पास, इतने टाइम में करना है, और बताओ भाई तुम्हें फला काम दिया था तुमने कर लिया कि नहीं किया। ये सारे के सारे काम किसके जरिए करता है, ये चीजें सारी सारे जो है ना लोगों से या कॉम्पोनेंट से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना कि किसने कितना काम कर लिया है, किसको क्या काम देना है, ये किसके जरिए होगा, कंट्रोल बस के जरिए। ज्यादातर सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है ना वो इसका इस्तेमाल करता है। सही है, जो कंपोनेंट्स या डिवाइसेज है जो कंट्रोल बस के जरिए कनेक्ट होती हैं वो कौन सी हैं, आईओ डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि क्या करती है, कंट्रोल बस कंट्रोल्स फंक्शनिंग ऑफ कंपोनेंट्स। कंट्रोल बस की बिट्स कितनी है, 8 to 16 bits। अब एग्जाम्पल देख लें, फॉर एग्जाम्पल सीपीयू ने मेन मेमोरी से डाटा रीड करना है तो कंट्रोल बस के जरिए मेमोरी रीड का कमांड सेंड करेंगे मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी को सीपीयू कमांड पहले सेंड करेगा कि मैंने यानी रैम को कि भाई मैंने मेमोरी रीड करनी है। ठीक है, फिर जो है उसके बाद आगे जो भी नेक्स्ट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो इसके इसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, अच्छा ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स भी भेजता है, इनके जरिए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स भी भेजे जा सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का क्या मतलब है कि अगर सीपीयू ने रैम से डाटा रीड करना था तो इसने पहले कमांड भेजी मेमोरी रीड की कि भाई मैंने मेमोरी रीड करनी है। इसने रैम ने उसको मेमोरी रीड करने दी। बहरहाल जो भी ऑपरेशन हम एड्रेस बस और डाटा बस के जरिए पढ़ के आए हैं कि किस तरह से रीड की, वो सारी कर ली। फिर एंड में सीपीयू रैम को कमांड भेजेगा एक्नॉलेजमेंट की, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा कि बहुत शुक्रिया मैंने मेमोरी पूरी रीड कर ली है, मुझ तक पहुंच गई है। इंश्योर करेगा, बताएगा कि मुझ तक सारा कुछ खैर खरी अच्छे पहुंच गया है। जब सीपीयू सेंड्स कमांड टू मेन मेमोरी राइटिंग डाटा, अगर हम रीड की नहीं राइट की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीपीयू ने रैम ने जो है ना रैम के अंदर डाटा राइट करना है सीपीयू ने, तो रैम सीपीयू के अंदर सारा डाटा राइट कर देगा तो रैम फिर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सीपीयू को भेजेगा कि हाँ जी भाई मेरा पास सारा डाटा राइट हो गया। ठीक है, इस तरह से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजा जाता है। अब कमांड सीपीयू कमांड्स कौन कौन सी हो सकती हैं मेमोरी राइट की, अगर मेमोरी राइट करनी है उससे पहले कमांड सिग्नल भेजा जाएगा जो कि होगा मेमोरी राइट का, जिससे पता चल जाएगा मेमोरी को कि भाई मेरे अंदर सीपीयू अब कुछ राइट करना चाह रहा है इस। ठीक है, फिर मेमोरी रीड की सिग्नल, मेमोरी रीड का मतलब है कि अब कोई आपके मेमोरी को पता चल जाएगा कि अब सीपीयू कुछ रीड करना चाह रहा है। आईओ राइट, आईओ रीड, बस रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कंट्रोल, ये कंट्रोल सिग्नल ये बताता है कि फ्लां कंपोनेंट ने बस की रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे डाटा बस चाहिए, मैंने डाटा सेंड करना है फ्लां कंपोनेंट को। सही है, तो बस रिक्वेस्ट का कमांड सिग्नल ये बताता है। बस ग्रांट, ये ग्रांट कौन करता है, ये कंट्रोल यूनिट करता है। ये बताता है कंट्रोल यूनिट, आपने ये ग्रांट का लफ्ज सुना होगा ना, वो जो एप्लीकेशन लिखने आप प्लीज ग्रांट मी टू लीव फॉर 2 days, यानी मुझे 2 दिन की जो छुट्टी है वो ग्रांट कर दे, मुझे दे दे। इसी तरह बस ग्रांट है कि बस दे देना किसी को। सही है, तो बस कैसे दी जाती है, कंट्रोल यूनिट के जरिए।
बस दी जाती है, कंट्रोल यूनिट मतलब ग्रांट करता है, और फिर वो सिग्नल भेजता है उस कंपोनेंट को कि भाई आपको बस मिल गई है, जो भी बस के साथ आपने काम करना है कर लो, आपको दे दी गई है। सही है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है अब, हाँ ये देखें, अब ये है हमने अभी तक सारा कुछ तोड़ फोड़ के पढ़ा, डाटा बस का अलहदा पढ़ा, एड्रेस बस का अलहदा पढ़ा, कंट्रोल बस का अलहदा पढ़ा। अब हम एक ओवरऑल पढ़ते हैं कि सीपीयू ने अगर मेमोरी में कुछ फॉर एग्जांपल रीड करना है तो किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तीनों बस कंट्रोल बस डाटा बस एड्रेस बस का क्या रोल होगा, वो कैसे इसके साथ हम मेमोरी से रीड कर सकते हैं। ये सीपीयू है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास रैम, तो क्या होगा पहला स्टेप, क्या होगा पहला स्टेप होगा कंट्रोल बस के जरिए मेमोरी रीड की कमांड में मेमोरी को भेजी जाएगी। कौन भेजेगा? सीपीयू। सीपीयू ने रीड करना है ना, ये इसने रैम तक सिग्नल भेजा, कमांड सिग्नल भेजा मेमोरी रीड का, रैम को पता चल गया कि भाई मेरे से ये मेमोरी रीड करना चाह रहा है। फिर साथ ही सीपीयू ने एड्रेस बस के जरिए एड्रेस भेज दिया कि मुझे फलां लोकेशन से रीड करना है। अब देखें रैम को चूंकि कमांड सिग्नल मेमोरी रीड का मिला हुआ था, इसलिए उसने उस मेमोरी लोकेशन से डाटा पता चल गया कि इसने रीड करना है, उसके अंदर राइट नहीं करना, इसलिए जरूरी है। फिर रैम क्या करेगा, अगला काम रैम का है, रैम ने उस एड्रेस उस जिस मेमोरी लोकेशन में जो भी डाटा कहा गया होगा, वो मेमोरी लोकेशन फॉर एग्जांपल कोई भी है, ये है, चेक करना है कि आया क्या इसकी रैम में, पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो उसने वो डाटा फेच करके लाना है बाहर से। कहां से बाहर से लाएगा? किसी सेकेंडरी स्टोरेज से लेके आएगा, और फिर उस डाटा को रैम डाटा बस के जरिए सीपीयू तक पहुंचा देगा और सीपीयू उस रैम को रीड कर लेगा। फिर एंड में एक्नॉलेजमेंट सिग्नल अगर पास करना है तो सीपीयू एक्नॉलेजमेंट सिग्नल रैम को भेज देगा कि हाँ जी मैंने सारा रीड कर लिया, डाटा मुझ तक पहुंच गया था। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है कि इफ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट कनेक्टेड टू सिस्टम बस इंक्रीज, अगर सिस्टम बस में कॉम्पोनेंट इंक्रीज कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम सीपीयू और रैम की बात कर रहे हैं, ढेर सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो क्या होगा कि ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, सबकी कोशिश होगी बस को इस्तेमाल करें अपना डाटा सेंड करें या रिसीव करने के लिए, जिसकी वजह से कंप्यूटर बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, हर किसी को बस को लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन क्या है कि सिर्फ मेजर कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाए, सारे कंपोनेंट्स को ना कनेक्ट कर दिया जाए, उठा के मेजर कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाए और जो बाकी कंपोनेंट्स रह गए हैं उनको और एक्सटर्नल बस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। एक्सटर्नल बस कौन सी है? एक्सपेंशन बस, ठीक है, एक्सपेंशन बस के साथ कनेक्ट किया जाए और फिर वो एक्सपेंशन बस सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड हो, इस तरह से सारी प्रोसेसिंग कर ली जाए। अब नेक्स्ट आ जाता है आईओ यूनिट। आईओ यूनिट क्या होता है? आईओ यूनिट आपको पता है, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, इसके साथ मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, जो आप चैप्टर नंबर 1 में सारी पढ़ के आए हैं। फिर इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, हर इनपुट आईओ डिवाइस के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, हर एक की डिफरेंट डाटा ट्रांसफर रेट है, डाटा ट्रांसफर स्पीड मुख्तलिफ है, कुछ जल्दी डाटा ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ को जरा टाइम लेते हैं, हर किसी का फॉर्मेट डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए बहुत तकरीबन इम्पॉसिबल है कि आप सारे की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस या आईओ डिवाइसेस को सिस्टम बस के साथ आप प्रोसेसर के साथ कनेक्ट कर दें या डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट कर दें। सीपीयू सबको एक साथ इकट्ठा कंट्रोल नहीं कर सकता, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराया गया, इसका सॉल्यूशन दिया गया, वो था आईओ यूनिट। आईओ यूनिट क्या है? इनपुट आउटपुट यूनिट, जो कि इन सब डिवाइसेस के साथ, ये देखें ये है ना सीपीयू है, ये रैम है, ये सारी बसेस के साथ कनेक्ट है, आईओ यूनिट एक अलग है, सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस आईओ यूनिट के साथ कनेक्ट होंगी, आईओ यूनिट इनको कंट्रोल करेगा और जो भी आईओ यूनिट के जरिए ये रैम और रोम तक, रैम और सीपीयू तक डाटा जो है ना वो आ जाएगा और सीपीयू से या रैम से डाटा आईओ यूनिट तक जाएगा, आईओ डिवाइस तक आईओ यूनिट के जरिए जाएगा, ठीक है। आईओ यूनिट कंट्रोल डिफरेंट आईओ डिवाइसेस, सिर्फ बस के साथ आईओ यूनिट कनेक्टेड होगा, बाकी डिवाइसेस नहीं होंगे, सारी डिवाइसेस को आईओ यूनिट के जरिए सीपीयू या रैम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और सीपीयू रैम को आईओ यूनिट के जरिए आईओ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आईओ यूनिट जो है ये सीपीयू के साथ और आईओ डिवाइसेस के साथ दरमियान में एक इंटरफेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इट वर्क्स एज एन इंटरफेस,
जो कि आईओ ऑपरेशंस या फिर टास्क परफॉर्म करता है विदाउट सीपीयू इन्वॉल्वमेंट. सीपीयू की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती. इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज स्पीड. स्पीड डिफरेंस भी मैनेज करता है बिटवीन सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस. अब आगे देखते हैं वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस इनटू कंप्यूटर. पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर तक आपने यानी प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर करना. फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड से कोई की एंटर प्रेस किया और सीपीयू ने उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी थी. सीपीयू इंतजार कर रहा था तो क्या होगा, या इंतजार नहीं भी कर रहा था, आपने कोई की प्रेस कर दी है तो जाहिर है सारी उस की प्रेस होने के बाद जो भी रिस्पॉन्ड आता है वो प्रोसेसर की वजह से ही आता है ना. तो प्रोसेसर फिर क्या करेगा, किस तरह से ये सारा काम चलेगा. एक पहला मेथड है वो है इंटरप्ट. इंटरप्ट एक खास सिग्नल होते हैं, ठीक है, जो सीपीयू सेंड करता है. जैसे ही आईओ डिवाइस ने कोई भी फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से आपने कोई की प्रेस किया या माउस से कोई माउस क्लिक किया तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा. सीपीयू जनरेट करेगा इंटरप्ट सिग्नल जो ये बताएगा कि भाई कोई आईओ ऑपरेशन आ गया है, पहले वो जो है ना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर लो. CPU issues command to IO device for IO operation. IO operation की जो है यानी कि input output का जो भी operation उसने perform करने के लिए जो button key press की है तो पहले वो perform होगा. कैसे होगा, पता क्या होता है, जब भी कोई device ready हो गई है, कोई device है for example मैंने keyboard से कोई key press कर दी है तो फौरी तौर पे processor जो है वो एक interrupt signal generate करेगा. ठीक है, interrupt signal generate हो गया. सीपीयू तक जैसे ही वो इंटरप्ट सिग्नल पहुंचेगा तो वो सारे के सारे काम छोड़ देगा. भाई मेरे पास इंटरप्ट आ गया, सारे काम छोड़ो, सारी प्रोसेसिंग छोड़ो, पहले इस आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म करो, पहले इस इनपुट आउटपुट डिवाइस ने जो अपना मसला बयान किया इसको सॉल्व करो, फिर हम अगला कोई काम करेंगे. तो इसकी वजह से क्या होता था, इसके एडवांटेजेस में क्या आ जाता है कि इसमें कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर या कोई एडिशनल हार्डवेयर कोई यूज नहीं होता. सारा का सारा काम प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस मिलकर करती हैं. इट इज ईजी टू इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि सीपीयू सारे काम छोड़ के बैठ जाता है. सीपीयू कहता है पहले मैं आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर लूं, बाकी सारे काम बाद में होते रहेंगे. सीपीयू सस्पेंड्स ऑल अदर प्रोसेसिंग, जिसकी वजह से पूरे कंप्यूटर की स्पीड रिड्यूस हो जाती है, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है. फिर आता है डीएमए, अगला एक और मेथड है जो कि इससे जरा बहुत बेहतर है. उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में एक डीएमए कंट्रोलर नामी एक ना डीएमए कंट्रोलर नामी एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करा दिया. वो कहता है भाई आप फिक्र ना करो, सीपीयू को कहता है मैं आपके सारे काम कर दूंगा. वो कैसे करता है कि वो डाटा, जब भी डाटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू, सारा डाटा ट्रांसफर सीपीयू के बगैर ही, सीपीयू की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. अच्छा मैं अगर आपको इस डायग्राम के जरिए बताऊं, ये बस है, बस के जरिए आईओ यूनिट ने जो है एक काम भेज दिया है सीपीयू को, तो क्या होगा, सीपीयू डीएमए ने ना कोई काम भेज दिया, एक इंटरप्ट जनरेट होगा सीपीयू के पास, सीपीयू तक इंटरप्ट पहुंचेगा, यानी सीपीयू तक काम पहुंच गया, सीपीयू तक पहुंच गया भाई कीबोर्ड जो है ना वो डाटा एंटर करने वाला है कीबोर्ड से या कोई और काम है, तो क्या होगा, सीपीयू अपने काम नहीं रोकेगा. सीपीयू कहेगा कि भाई डीएमए आप ये सारा काम पकड़ो, आप ये आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करो. जैसे इंटरप्ट उसके पास पहुंचा, उसने थोड़ी देर के लिए अपनी प्रोसेसिंग स्टॉप की और साथ ही उसने सारा सारा काम जो है उठा के आईओ ऑपरेशन किसको दे दिया, डीएमए को, कि डीएमए तुमने ये सारा काम परफॉर्म करना है. फिर उसने अपना काम बाकी कंटिन्यू कर दिया सीपीयू ने, सीपीयू रुका नहीं. डीएमए ने जो भी रिक्वेस्ट थी आईओ डिवाइसेस से डिवाइस कंट्रोलर के जरिए जो है वो रिक्वेस्ट की और फिर सारा का सारा डाटा जो है बफर में स्टोर करने के बाद रैम में स्टोर करा दिया और उसके बाद डिवाइस कंट्रोलर ने एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल डीएमए को भेज दिया भाई काम हो गया और डीएमए ने सर पे खड़े होकर सारा काम करवा लिया और सीपीयू को पता भी नहीं इस चीज का. एंड में डीएमए ने क्या किया कि एक इंटरप्ट जनरेट कर दिया, दोबारा सिग्नल दे दिया और सीपीयू को बता दिया कि भाई मैंने सारा काम कर दिया है आप चेक कर लो. तो क्या हुआ कि सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट कहाँ थी, एक थी जब सीपीयू ने आईओ ऑपरेशन सारा उठा के डीएमए को दिया और एक थी जब डीएमए ने इंटरप्ट जनरेट करके सीपीयू को बता दिया, यानी एक शुरू में जब सीपीयू ने अपना सारा काम उठा के डीएमए कंट्रोलर को दे दिया और एक आखिर में जब डीएमए कंट्रोलर ने सारा आखिर में रिपोर्ट कर दी कि भाई सारा काम हो गया. शुरू में बिगनिंग एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ डाटा ट्रांसफर,
सिर्फ दो जगहों पे सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट हुई, बीच में सीपीयू ने अपना सारा काम खुद किया, ठीक है, अपना काम कंटिन्यू रखा। तो इसका फायदा क्या हुआ कि प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ा फॉर द कंप्लीशन ऑफ आईओ ऑपरेशन। पहले क्या था, सीपीयू सारा काम बैठ के देखता था कि जब तक डिवाइस कंट्रोलर सारा काम नहीं कर लेता, बैठ के सर पे बैठा रहता था, अपना काम छोड़ ही रखता था। जब तक सारा काम नहीं हो जाता था, आईओ ऑपरेशन पूरा परफॉर्म नहीं हो जाता था, किसी और चीज को हाथ नहीं लगाता था। इसमें डीएमए में क्या हुआ, इसने डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के हवाले कर दिया कि भाई तुम कर लो, और अपना काम कंटिन्यू रखा, अपने बाकी काम करता रहा, जिसकी वजह से प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ा, दूसरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, एक नया हार्डवेयर इंप्लीमेंट करना पड़ गया, सही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया मेथड। फिर आ जाता है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर एक स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन होती है, स्मॉल हाई स्पीड एरियाज होते हैं जिन्हें रजिस्टर बोलते हैं, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इस्तेमाल होते हैं। टेम्परेरली ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स हैं, उनको टेम्परेरी तौर पे होल्ड करते हैं सीपीयू के मुख्तलिफ यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, खास इसके मकसद होते हैं, इनके डिफरेंट साइज हैं, 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte, जितना लार्ज रजिस्टर होगा उतनी सीपीयू की ज्यादा परफॉर्मेंस होगी। एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर के 32 bit या 4 bytes रजिस्टर हैं, तो वो 4 bytes एट अ टाइम डाटा ट्रांसफर एट अ टाइम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है, सीपीयू एट अ टाइम 4 bytes प्रोसेसिंग कर सकती है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, तीन तरह के टाइप्स हैं स्पेसिफिक पर्पस, इनकी भी आगे फर्दर टाइप्स होंगी, वो सारी देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, स्पेशल फंक्शंस होते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब पहले जरा हम मेमोरी में देख लें कि क्या होता है, रजिस्टर होते हैं कहाँ पे है, ये तो चीज रहेगी हमारी, ये हमारा सीपीयू है, ठीक है, इस सीपीयू ने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है जिस डाटा के ऊपर, वो थोड़ा थोड़ा डाटा यहाँ पे सीपीयू के साथ ही रजिस्टर्स होंगे, सीपीयू के साथ ही होंगे, और ये हमारी मेमोरी है रैम। रैम से सारा का सारा डाटा जो भी सीपीयू को चाहिए होगा, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, वो डाटा रजिस्टर्स में जाता जाएगा, और वो रजिस्टर्स जो हैं वो डाटा अपने पास पहले रिजल्ट स्टोर करा के प्रोसेसिंग के रैम में स्टोर कराते जाएंगे, ठीक है, रजिस्टर्स का ये काम है। अब रजिस्टर्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, सबसे पहला रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करता है कि एक कंट्रोल सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शंस आर फेच्ड फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लानी है। आपको पता ना, प्रोग्राम जो है वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, पहले पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, ठीक है। सीपीयू ने पहली फर्स्ट टर्न पे क्या हुआ, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 है। पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर भी बोलते हैं इसको, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर भी बोलते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, इन रजिस्टर्स को शुरू करने से पहले, कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जो के इंस्ट्रक्शन या डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो के इंस्ट्रक्शन या डाटा को स्टोर करते हैं, कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं दूसरी टाइप के जो कि इनके एड्रेस को स्टोर करते हैं, डायरेक्ट वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं करते, डायरेक्ट डाटा को स्टोर नहीं करते, उनके मेमोरी में रैम में जो एड्रेस है ना उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर सीक्वेंस को स्टोर करता है, सही है, यानी कि क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है, एक्चुअली इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले प्रोग्राम ने एक प्रोग्राम सीपीयू ने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, इसने इस इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट कर लिया, इसने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, इंस्ट्रक्शन 1 है, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट करनी है, कैसे करेगा, ये रैम के अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी है, ठीक है, इनिशियली शुरू में पीसी की वैल्यू 1 होगी, यानी कि पहली इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट इसके एड्रेस इसके अंदर पड़ा होगा, पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, ये पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है पीसी 1 में होगा, और ये क्या करेगा, वो पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आएगा, देखिए ना पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा है, अब क्या है, स्टोर्स रिसेंटली फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, आईआर रजिस्टर साथ ही कर लें, ये पीसी रजिस्टर और आईआर रजिस्टर, पीसी के अंदर एड्रेस है, आईआर के अंदर एक्चुअल कॉन्टेंट है, तो क्या होगा, अगर पहली इंस्ट्रक्शन है ना, तो आईआर रजिस्टर उस पहली इंस्ट्रक्शन को रखेगा, पीसी में
पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा जो कि आईआर में वो इंस्ट्रक्शन होगी, और साथ ही हर टर्न में पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी बाय वन 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 इंक्रीमेंट होती जाएगी वैल्यू, यानी कि पहले वन थी फिर टू हो जाएगी फिर थ्री हो जाएगी फिर फोर हो जाएगी, यानी पहले पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। पीसी में एड्रेस होगा, आईआर में एक्चुअल कॉन्टेंट होगा जिसको कंट्रोल यूनिट जिस इंस्ट्रक्शन को लेके फिर डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर पहली इंस्ट्रक्शन थी तो पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आई और प्रोग्राम काउंटर टू पे चला गया और वो इंस्ट्रक्शन आईआर रजिस्टर में ट्रांसफर हो गई। फिर नेक्स्ट टर्न में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में थर्ड इंस्ट्रक्शन की एड्रेस आ जाएगा जो कि अगली इंस्ट्रक्शन फेच होके आनी है उसका एड्रेस आ जाएगा, और सेकंड का जो इंस्ट्रक्शन है वो आईआर रजिस्टर में आ जाएगी। इस तरह से ये सारा जो है ना प्रोग्राम ये रजिस्टर्स काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर, ये इकट्ठा ही कर लेते हैं। मेमोरी एड्रेस क्या करता है, ये पता चल रहा है एमएआर रजिस्टर ये एड्रेस को सेव करता है, और मेमोरी बफर एक्चुअल में जो जो डाटा होगा या इंस्ट्रक्शन होगी कंटेंट को सेव करेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस सेव होता है उस मेमोरी लोकेशन का जिसमें से डाटा को या रीड करना है या राइट करना है सीपीयू ने। ठीक है, उसका एड्रेस कहाँ सेव होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। और जब भी किसी सीपीयू ने कोई भी डाटा रीड या राइट करना है वो लोकेशन एमएआर रजिस्टर में रखवा देगा कि मुझे फलां एमएआर रजिस्टर में के रखवा देगा लोकेशन कि मुझे फलां लोकेशन से डाटा को रीड या राइट करना है। और मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करेगा कि वो डाटा फेच करके उस लोकेशन में से एमबीआर रजिस्टर में रखवा देगा। एमबीआर रजिस्टर का ये इस्तेमाल है। फिर आता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर समझने से पहले आप स्टैक को समझे, स्टैक क्या होता है। स्टैक होता है एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, डाटा एक ऑर्डर में रिट्रीव होता है स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, स्टैक कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये नीचे से एंड बंद होता है ऊपर से ओपन होता है। पहले डाटा इसके अंदर एंटर हुआ, ये लास्ट वाले में डाटा सेव हो गया, फिर नया डाटा एंटर हुआ इस वाले में सेव हो गया, नया डाटा एंटर हुआ इस वाले में एंटर हो गया। अब आपने डाटा जब निकालना है ना, तो जब आप निकालेंगे सबसे पहले ऊपर वाला निकलेगा, ये ऊपर वाला निकला, उसके बाद फिर नेक्स्ट निकलेगा, उसके बाद फिर अगले वाला निकलेगा। जब आपने अक्सर देखा होगा शादियों की प्लेटें पड़ी होती हैं होटलों में, तो शादियों की प्लेटें एक स्टैक की सूरत में पड़ी होती हैं। जो सबसे पहले प्लेट रखी होती है वो सबसे आखिर में निकलती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर और प्लेटें आ जाती हैं। और जो सबसे आखिर में प्लेट रखी होती है, सबसे ऊपर जो रखी होती है वो सबसे पहले निकलती है, उसको सबसे पहले उठाते हैं। स्टैक का इसी तरह होता है, लास्ट इन जो सबसे आखिर में प्लेट रखी गई हो, जो सबसे आखिर में डाटा डाला हो वो फर्स्ट आउट सबसे पहले निकलता है। ठीक है, अब इस चीज को कंट्रोल किसने करना है, इस चीज को कंट्रोल करता है स्टैक पॉइंटर। एक पॉइंटर होता है जो पॉइंटर जो है ना इस मेमोरी में स्टैक को मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, तो इस वक्त स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, इस मेमोरी का एड्रेस। अब ये वाला डाटा निकल गया, ठीक है, अब ये डाटा निकल गया तो स्टैक पॉइंटर क्या होगा, यहां से रिमूव होके नीचे वाले पे आ जाएगा। अब जो सबसे ऊपर वैल्यू पड़ी होगी वो ये वाली होगी, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू अब क्या हुआ, ये मेमोरी एड्रेस नहीं है, ये वाला मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर इस चीज को मैनेज करता है। इसका इस्तेमाल कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है, अनडू और रीडू ऑपरेशन। अनडू ऑपरेशन होता है कोई भी लास्ट एक्शन जो आपने परफॉर्म किया है उस एक्शन को अनडू कर देना, यानी कि उस एक्शन को रिवर्स करना, वो अनडू कहलाता है। और रीडू का मतलब है जो आपने लास्ट एक्शन रिवर्स किया है उसको रिवर्स करना, उसको वापस ले आना, अनडू हुए हुए एक्शन को वापस ले आना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर डाटा को स्टोर करते हैं, यानी ऑपरेंड्स को, एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, एड्रेसेस ऑफ डाटा, और जो रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करने में काम आते हैं। ठीक है, यूज फॉर अर्थमेटिक लॉजिक एंड डाटा मूवमेंट ऑपरेशंस, इन सारे कामों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये ALU का हिस्सा होते हैं, ALU का पार्ट होते हैं। आपको बताया ना, ये CPU सारे CPU के साथ, ये आपका CPU है, इसके अंदर सारे रजिस्टर होते हैं, CPU के साथ एसोसिएटेड होते हैं ये सारे रजिस्टर्स। डाटा कहाँ से ला रहे होते हैं, रैम से ला रहे होते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े रजिस्टर्स होते हैं ये, मतलब इसमें सारा का सारा डाटा नहीं पड़ा होता, ज्यादातर डाटा रैम में पड़ा होता है, लेकिन रैम से जो भी चाहिए होता है कुछ डाटा इन रजिस्टर्स में लेके आ जाते हैं। अब सबसे पहले आता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर।
जो कि अर्थमेटिक और दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, अगर इसको ए एक्स रजिस्टर भी बोलते हैं, अगर आप बी एक्स रजिस्टर देखें यानी बेस रजिस्टर, तो ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक और डाटा मूवमेंट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ए एक्स के अंदर एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर डाटा पड़ा होता है, जबकि बेस रजिस्टर में एड्रेसेस होते हैं, डाटा के एड्रेसेस को स्टोर करता है। मैंने आपको बताया ना रजिस्टर दो तरह के होते हैं, कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि डाटा जो कि मेमोरी लोकेशन के एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, डाटा के एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, लोकेशन मेमोरी लोकेशन स्टोर करते हैं। कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल डाटा को स्टोर करते हैं, कॉन्टेंट स्टोर करते हैं, ठीक है। तो बेस रजिस्टर एड्रेसेस को स्टोर करता है। फिर आता है काउंटर रजिस्टर, काउंटर यूज होता है फॉर काउंटिंग पर्पस। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोग्राम ऐसा लिखा कि ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि 10 टाइम्स चलनी है, एक ही इंस्ट्रक्शन 10 दफा चलनी है, तो आप इसको काउंटिंग पर्पस के लिए सी एक्स रजिस्टर इस्तेमाल होता है, जिसमें एक दफा इंस्ट्रक्शन चल गई 1 इंक्रीमेंट हो गया, फिर दूसरी दफा इंस्ट्रक्शन चली 2 हो गया, तीसरी दफा चली 1 का इंक्रीमेंट हो गया और 3 हो गया। इस तरह से ये काउंटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या कुछ एक इंस्ट्रक्शन या कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करना, इस कॉन्सेप्ट को लूपिंग बोलते हैं, लूप बोल देते हैं, ठीक है। एक ही टाइप के इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करना और ये हिसाब लगा और कुछ मतलब आप डिफाइन कर देते हैं इसको 10 बार एग्जीक्यूट कर दो या इतने बार या कोई कंडीशन लगा देते हैं तब तक एग्जीक्यूट करते रहो, तो ये कौन काउंट कौन कर रहा होता है, काउंट काउंटर रजिस्टर कर रहा होता है, काउंटिंग पर्पस के लिए काउंटर रजिस्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर आता है डीएक्स रजिस्टर, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको पता है जो डिविजन है या मल्टीप्लीकेशन है ये इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन मल्टीपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मदद से मिलके होती है परफॉर्म, सही है। खाली मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीपल एडिशन या मल्टीपल सब्ट्रैक्शन से परफॉर्म होती है। तो आप क्या करते हैं कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर जब यूज करते हैं तो वो किस लिए यूज होता है, जब आपने डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, और इनको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसमें अगर आप देखें आगे जो जनरल पर्पस ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स हमने जो अभी पढ़े, जनरल पर्पस रजिस्टर में जो एक्सटेंडेड इनका वर्जन है ना वो होता है ई एक्स ई बी एक्स ई सी एक्स और ई डी एक्स। जो आपका खाली ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स था ना वो ये है, ये होते हैं 16-bit रजिस्टर्स, इनको डबल कर दें एक्सटेंड कर दें तो वो बन जाते हैं 32-bit रजिस्टर्स, ठीक है। ई वाले ए एक्स बी एक्स जो है ना ये भी आगे दो डिवाइड हुए होते हैं लोअर और हायर बाइट्स में, ठीक है। लोअर बाइट्स होती है ये ए एल बी एल सी एल डी एल, ये लोअर बाइट्स होती हैं, और हायर बाइट्स होती हैं ए एच बी एच सी एच डी एच, ए फॉर अक्यूमुलेटर बी फॉर बेस सी फॉर काउंट डी फॉर डाटा और एच फॉर हायर और एल फॉर लोअर, ठीक है। सारी हायर और लोअर बाइट्स का कितना होता है 1 बाइट। अब देखें हायर का 1 है लोअर का 1 है, इन दोनों को मिला के AX बन रहा है, इन दोनों को मिला के तो AX का कितना हुआ, AX का 2 बाइट्स हुआ, 2 बाइट का मतलब है 16 बिट्स जो जी यहां लिखा हुआ है। 2 बाइट्स को डबल कर लो 2 AX कर लो वो EAX बन जाता है, तो इसका कितना हुआ 4 बाइट्स, ठीक है। इसका 4 बाइट्स एड्रेस हुआ और इसका 4 बाइट साइज हुआ। आजकल जो मॉडर्न प्रोसेसर्स है ना वो 4 बाइट रजिस्टर यूज करते हैं, EAX, EBX, E वाले एक्सटेंडेड वाले, ठीक है। जनरल पर्पस हो गए। अब नेक्स्ट आ जाता है सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट होता है अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मेमोरी का एक पूरा का पूरा ब्लॉक। सेगमेंट रजिस्टर्स क्या करता है, उन मेमोरी ब्लॉक्स का एड्रेस सेव कर लेता है जो कि करंटली यूज हो रहे होते हैं। ये एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, इनके अंदर डाटा नहीं सेव होता, इनके अंदर क्या सेव होता है, एड्रेसेस सेव होते हैं। 4 तरह के एड्रेस रजिस्टर्स हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। ये देखिए ये आपके पास सीपीयू है, सीपीयू जो काम कर रहा है वो एक इंस्ट्रक्शन पे तो नहीं ना कर रहा होता, कई दफा पूरे पूरे ब्लॉक पे कर रहा होता है। तो रैम के अंदर वो पूरे ब्लॉक का जो एड्रेस है जिसके ऊपर करंटली इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम हो रहा होता है वो इस सेगमेंट रजिस्टर के अंदर सीपीयू में आके सेव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सेगमेंट रजिस्टर्स की साइज होता है 2 बाइट्स, जो कि इसके साथ 2 एक्स्ट्रा आईपी रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके 2 इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं एसआई और डीआई, जो कि मुख्तलिफ एरियाज को
को एड्रेस करने के लिए यूज होते हैं. अच्छा एक्चुअली होता क्या है, ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस का पूरा ब्लॉक है, ठीक है. ये पूरे ब्लॉक का एड्रेस जो है ना, ये किसने दिया है, ये दिया है इस सेगमेंट रजिस्टर के अंदर. अब इस ब्लॉक में आगे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगी या स्टेटमेंट्स होंगी, इन मल्टीपल को इंस्ट्रक्शंस को अब वन बाय वन इनको भी तो काउंट करना है ना, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पे पहुंच गए. इनको कौन करेगा, इनको ये इंडेक्स रजिस्टर्स करते हैं. इंडेक्स रजिस्टर्स क्या करते हैं, यानी सेगमेंट नंबर वन का इंडेक्स नंबर वन, फिर सेगमेंट नंबर वन का इंडेक्स नंबर टू, सेगमेंट नंबर वन का इंडेक्स नंबर थ्री कैलकुलेट होने जा रहा है, इस तरह से करते हैं, ठीक है. इंडेक्स रजिस्टर्स की समझ आई. अच्छा अब कोड सेगमेंट क्या करता है, कोड सेगमेंट सिर्फ बेस एड्रेस सेव करता है, स्टोर करके रखता है. बेस एड्रेस क्या है, पूरे सेगमेंट का जहां से सेगमेंट शुरू हो रहा है. एक होता है बेस एड्रेस जहां से सेगमेंट शुरू हो रहा है, एक होता है इंडेक्स एड्रेस जो कि सेगमेंट के अंदर कौन सी लाइन है, ठीक है. बेस एड्रेस सारे कहां पे स्टोर होते हैं, कोड सेगमेंट, ये सेगमेंट रजिस्टर्स में. और इंडेक्स एड्रेस कहां पे सेव होते हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स में, जो कि डीआई और एसआई है, इनकी मदद से होते हैं, ठीक है. कोड सेगमेंट में क्या होता है कि कोड सेगमेंट में डीआई और एसआई की बजाय आईपी रजिस्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है. कोड सेगमेंट में आईपी जो अभी हम पढ़ के नहीं आए, जनरल पर्पस रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वो इस्तेमाल होता है. कोड सेगमेंट वो वाला सेगमेंट होता है जिसमें एक्चुअल सारा कोड पड़ा होता है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको एग्जीक्यूट करना होता है, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं. सारी की सारी इंस्ट्रक्शन वन बाय वन, पहले एक इंस्ट्रक्शन आईपी रजिस्टर में आती है, प्रोग्राम काउंटर उसमें वन का इंक्रीमेंट करता रहता है, और आईपी रजिस्टर में सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आती रहती है, और आईपी रजिस्टर से वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेते हैं. बेस एड्रेस किस में स्टोर होता है, कोड सेगमेंट पे. फिर होता है डेटा सेगमेंट. डेटा सेगमेंट में सारे मेमोरी वेरिएबल्स होते हैं, डेटा होता है, एक्चुअल डेटा. आपको कोड, आपको मैंने डेटा और इंस्ट्रक्शन में फर्क बताया था ना. फॉर एग्जांपल आपकी एक स्टेटमेंट है 2+2, ठीक है, 2+2, इसमें जो 2 है ना, या 2+2 को छोड़े, आप ए प्लस बी कर लें, ए प्लस बी. इसमें जो ए है ना और बी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके डेटा हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, ठीक है. और ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जिसके अंदर ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेटर आपका प्लस है, इन दोनों को ये पूरी की पूरी एक इंस्ट्रक्शन बन गई, ठीक है. अब इंस्ट्रक्शन सारी कहाँ पे होती है, कोड सेगमेंट में. और डेटा यानी ए और बी ये कहाँ पे होते हैं, डेटा सेगमेंट में. डेटा सेगमेंट में इनकी मेमोरी लोकेशन सेव होती है कि फला मेमोरी लोकेशन में, ये जो है ना इनकी बेस लोकेशन, सारी बेस लोकेशन इन वेरिएबल्स की, वो डेटा सेगमेंट में होती है. और डीआई और एसआई रजिस्टर की मदद से ये सारा डेटा लिया जाता है. फॉर एग्जांपल ये ए की डेटा सेगमेंट है, इसके अंदर ए की वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे बी की वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे सी की पड़ी है. तो बेस रजिस्टर कौन सा है, बेस लोकेशन कहाँ पे होगी, डेटा सेगमेंट में. और इंस्ट्रक्शन इंडेक्स जो है वो डीआई या, यानी कि पहली या दूसरा या तीसरा, ये किसमें है, डीआई या एसआई रजिस्टर, ये इसमें इस्तेमाल होंगे. फिर आता है एक्स्ट्रा सेगमेंट. अगर कोई एडिशनल बेस लोकेशन है फॉर मेमोरी वैल्यूज, अगर डाटा सेगमेंट में जगह कम पड़ गई, सारे के सारा डाटा इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा, तो एडिशनल एक सेगमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट, जिसके अंदर बेस लोकेशन होती है मेमोरी वेरिएबल्स की, ठीक है. ये एक्स्ट्रा सेगमेंट का एक्स्ट्रा नाम से पता चल रहा है. फिर आता है स्टैक सेगमेंट. स्टैक सेगमेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब आप स्टैक का इस्तेमाल कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर. प्रोग्राम है ये आपका, ये स्टैक है, ठीक है. इसके अंदर मल्टीपल आपके पास स्टैक थी, तो स्टैक के अंदर मतलब मल्टीपल जो लोकेशंस हैं, ये मेमोरी लोकेशन ही होती है, लेकिन इसका एक रूल होता है कि आपने एक एंड से ही डाटा एंटर करना है और उसी एंड से डाटा आपने डिलीट या आपने डाटा रिट्रीव करना है. तो जब आप रिट्रीव करेंगे तो जो ऊपर डाटा पड़ा होगा वो वाला डाटा रिट्रीव हो जाएगा और नीचे वाला नहीं हो पाएगा. तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसीलिए इसको कहा गया है कि जो लास्ट में आपने इन किया है वो फर्स्ट आउट हो जाएगा, फर्स्टली आउट होगा. अच्छा इसके अंदर क्या होता है, करंट प्रोग्राम स्टैक का बेस लोकेशन वो स्टैक सेगमेंट में स्टोर होती है.
सही है। इसके साथ आपके ये सेगमेंट रजिस्टर्स भी हो गए कवर। फिर आता है इंस्ट्रक्शन सेट, जो कि आपको ये सारा का सारा आगे से अगला चैप्टर जो है ये आपको सारा चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 में मिलेगा। अभी चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है, बाकी आगे देखने के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 देखना होगा।